ਜਾਨੇ ਕੋ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਜਰਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਈਏ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਜਰਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਈਏ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਜਰਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਈਏ ભગવાન કી હે આરતી પાપીઓ કો પાપ દે તારતી શ્રી ભાગવત ભગવાન કી હે આરતી પાપીઓ કો પાપ દે તારતી શ્રી ભાગવત ભગવાન કી હે આરતી પાપીઓ કો પાપ દે તારતી ભાગવત ભગવાન કી હે આરતી પાપીઓ કો પાપ કે હે તારતી યે અમરી ગલતી યે મુક્તિ પલતી યે પંચમ વેદ નિરાલા નવ જ્યોતિ જગાને વાલા યે અમરી ગ્રંથિ યે મુક્તિ પંતિ યે પંચમ વેદ નિરાલા નવ જ્યોતિ જગાને પાપીઓ કો પાપ સે તારતી શ્રી ભાગવત ભગવાન કી હે આરતી પાપીઓ કો પાપ સે તારતી યે શાંતિ ગીત પાવન પુનીત પાપો કો મિટાને વાલા હર દર્દ કરાને વાલા યે શાંતિ ગીત પાવન પુનીત પાપો મિટાને વાલા હરિ દર્શ કરાને વાલા યે શાંતિ ગીત પાવન પુનીત પાપો કો મિટાને વાલા હરિ દર્શ કરાને વાલા યે શાંતિ ગીત પાવન પુનીત પાપો કો મિટાને વાલા હરિ દર્શ કરાને વાલા યે દુઃખ કરણી દુઃખ હરણી દુઃખ કરણીએ દુઃખ હરણીએ દુઃખ કરણીએ દુઃખ હરણીએ દુઃખ કરણીએ દુઃખ હરણી શ્રી મધુસૂદન કી આરતી પાપીઓ કો પાપ સે તારતી શ્રી ભાગવત ભગવાન કી હે આરતી પાપીઓ કો પાપ સે તારતી મધુર બોલ જગ પંથ કોલ પથ માર્ગ બતાને વાલા બિગડી કો બનાને વાલા યે મધુર બોલ જગ પંથ કોલ સત માર્ગ બતાને વાલા બિગડી કો બનાને વાલા યે મધુર બોલ જગ પંથ કોલ સત માર્ગ બતાને વાલા બિગડી કો બનાને મધુર બોલ જગ પંથ ખોલ
पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरम कृणाम तारम संसार तारम भुजवेन्द्र तारम सदा मदन तमरियार विन्दे भवम भवानी दैतम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं भव देव हरि राम हरि राम 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 हरि 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 कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम हरि राम 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 हरि 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 कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि हरि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत्तिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोपाल कृष्ण भगवान की जय सच्चिदानंद कंद भगवान की जय गुरु गोविंद महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्या परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद कंद भगवान बांके बिहारी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी
मंडपस्थ विराजित श्रद्धामती भक्तिमती मातृशक्ति प्रभु भक्ति परायण भक्तगण ममाराध्य विप्रबंधु विद्वद वरेण्य महानुभाव मंचस्थ विराजित संगीत कलाकार बंधु सभी के हृदयांगन में विराजित भगवान भक्त वत्सल की छवि को प्रणाम करते हुए भगवान राधा रमन को बारंबार प्रणाम करते हुए हम यह दिव्य सत्संग सरिता में प्रवेश करें। इससे पूर्व मन तथा चित्त को पवित्र करने हेतु दो क्षण हरिनाम संकीर्तन करें। बड़े भाव से आप सभी साथ में गाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बिहारी
हरिलाल की जय राधे रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय राधे भगवान बांके बिहारी की अद्भुत कृपा से यह दुर्लभ संयोग आपके हमारे जीवन में प्राप्त हुआ। ऐसी दिव्य भूमि जहां पर भगवान ने अवतार लेकर अनन्य लीलाओं को संपादित किया, ऐसी दिव्य धरा पर आपको हमको उपस्थित होने का और यहाँ पर बैठकर 7 दिन तक कथा श्रवण करने का जो यह दुर्लभ अवसर हमारे जीवन में आया है, यह अत्यंत दुर्लभ है। और इसके बदले में हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। 2 प्रकार के मानव होते हैं संसार में, एक तो कृतज्ञ और दूसरा कृतघ्न। भगवान ने हमें दिव्य देह जो कि परम दुर्लभ है मानव शरीर हमें दिया, उसके पश्चात हमें मानव शरीर देने के बाद में ऐसी सुमति दे दी कि जिस सुमति के प्रभाव से, जिस सुमति के प्रताप से आप और हम सब इस प्रकार के आयोजनों में, इन धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। उसके बाद में ऐसी कथाएं, ऐसी भक्ति, ऐसे भजन हम अन्यत्र सभी जगह भी कर सकते हैं, हमारे घर में भी कर सकते हैं, परंतु भगवान ने इतनी अद्भुत अनुकंपा हम पर की, इतनी अद्भुत कृपा हम पर की कि हमें श्रीधाम वृंदावन में यह अवसर प्रदान किया। वृंदावन का यह महत्व है, वृंदावन में यह साक्षात प्रमाण है कि यहाँ पर भगवान नित्य निवास करते हैं। यहाँ की रज रज में, यहाँ के कण कण में, यहाँ के पत्र पुष्प आदि सभी चेतन वस्तुओं में भगवान का नित्य निवास है। यह श्रीधाम वृंदावन की महिमा, यह श्रीधाम वृंदावन के स्वरूप को शब्दों में बयां करना असंभव है। अगर माता शारदा भी 100 दिनों तक भी अगर इस स्वरूप को लिखे, वृंदावन के वर्णन को लिखे, तो वह भी कम पड़ जाए। तो जब माता शारदा स्वरूप को लिखने में सक्षम नहीं है, वर्णन को लिखने में सक्षम नहीं है, तो आप और हम सबकी क्या बिसात। तो वृंदावन धाम के पत्र पत्र में, वृंदावन धाम की डाली डाली में भगवान का निवास है, भगवान का साक्षात्कार है। तो भगवान ने जो हमें यह दिव्य धाम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हेतु प्रदान किया, तो भगवान के प्रति बारंबार कृतज्ञता व्यक्त की जाए, भगवान के प्रति बारंबार धन्यवाद ज्ञापित किया जाए कि भगवान आपने बड़ी कृपा करके, बड़ी दया करके हमें इस योग्य बनाया जो कि हम इस धाम में बैठकर कथा श्रवण कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान का धाम उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें भगवान बुलाते हैं। आप खूब प्रयास कर लें, खूब मन बना लें कि हमें भगवान की यात्रा पर जाना है, भगवान के धाम में जाना है, वहां पर कथा श्रवण करनी है, पर मात्र आपके मन बनाने से यह संभव नहीं है। जब तक भगवान की कृपा, जब तक भगवान की दया आप पर नहीं होगी, तब तक इस प्रकार धाम में बैठकर और हम भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकते। भगवान की कथा प्राप्त करने से, भगवान की कथा प्राप्त करने के 3 उपाय हैं, 3 मार्ग हैं, 3 विधाएं हैं। इन 3 सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद में भगवान की कथा हमें प्राप्त होती है। 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी है इच्छा, दूसरी सीढ़ी है प्रयास, और तीसरी और अंतिम सीढ़ी है कृपा। सबसे पहली सीढ़ी पे चढ़ना है इच्छा। सबसे पहले तो हमें इच्छा करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें ये निश्चय करना पड़ेगा कि हमें भगवान की कथा श्रवण करनी। तो सर्वप्रथम पहली सीढ़ी हुई इच्छा, तो सबसे पहले तो इच्छा की जाए कि हम भगवान की कथा श्रवण करें। और फिर दूसरी सीढ़ी है प्रयास,
फिर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपने और हमने भी प्रयास किया ना, सबसे पहले तो इच्छा की कि हमें वृंदावन चलना है, फिर प्रयास किया, फोन लगाया कि गुरुजी हमारा भी नाम लिखना, उसके बाद फिर आरएसी की सीट थी हमारी, ट्रेन कैंसिल हो गई, तो कष्ट का पाकर प्रयास करके हम यहाँ तक पधारे। और उसके बाद में इच्छा और प्रयास करना ये आपके हाथ में है, पर कृपा करना उसके हाथ में है। इच्छा और प्रयास तो आपने कर लिया, लेकिन कृपा वो परमात्मा करेंगे। और आप और हम सब अहो भाग्यशाली हैं जो कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी और हम यहाँ पांडाल में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान की इस कृपा के प्रति हमें बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और दूसरा भक्त होता है कृतघ्न, दूसरा मानव होता है कृतघ्न, जो कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भगवान ने मानव योनि भी दे दी, भगवान ने अच्छे पद पर भी बिठा दिया, भगवान ने धन रुपया पैसा आदि सभी प्रकार से सभी वस्तुओं से संपन्न भी कर दिया, पर उसके बाद भी भगवान के मंदिर में जिसने लात न रखी हो, भगवान के भजन में जिसने ताली न बजाई हो, उस प्रकार के रीति वाले मानव को कहते हैं कृतघ्न। तो यह आपके और हमारे हाथ में ही है कि हमें कृतघ्न बनना है या कृतज्ञ बनना है। तो हम कृतज्ञ बने। भगवान ने हमें उनके धाम में बुलाकर यह श्रीमद् भागवत कथा उनकी कृपा से जो हमें प्रदान की, उसके प्रति भगवान के प्रति बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करें। और आज हम सब श्रीमद् भागवत कथा के माहात्म्य का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत में जितने भी शब्द हैं, हर शब्द में, हर विसर्ग में, हर हलंत में, हर मात्रा में, हर अनुस्वार में भगवान विराजित हैं। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष के समान है, जिसकी छाँव में बैठकर, जिसके समीप बैठकर, जिसके सन्मुख बैठकर जो कल्पना कर ली जाए, जो इच्छा कर ली जाए, वह फल हमें वह प्रदान कर देती है। श्रीमद् भागवत के अद्भुत अनेकानेक चमत्कार हैं जो कि आज आपको महात्म्य श्रवण किए कराए जाएंगे। और श्रवण क्यों कराए जाएंगे, इसका कारण है कि आज के मानव चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। आज का व्यक्ति राधे, आज का व्यक्ति चमत्कार को ही नमस्कार करे। राधे राधे, आज का मानव चमत्कार को ही नमस्कार करेगा। और भागवत कथा के महात्म को सुनना इसलिए जरूरी है कि आपके बीच में कोई महान व्यक्ति आकर भी बैठ जाए और उससे आपका परिचय ना हो, तो आप उसे राम राम भी नहीं करेंगे, राधे राधे भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उससे परिचय नहीं है, आप उसकी वास्तविकताओं से अवगत नहीं है, आप उसकी प्रतिभाओं से परिचित नहीं है, इसलिए आपने उसको नमस्कार भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति हो, पर जब तक आपका और उसका परिचय नहीं है, जब तक आपको उसके गुणों के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक आप उन्हें प्रणाम भी नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हें राधे राधे नमस्कार भी नहीं करेंगे। उसी प्रकार भागवत के महात्म्य में भागवत का परिचय है। जब तक आप भागवत की वास्तविकता से, भागवत के गुणों से अपने आप को परिचय नहीं कर लेंगे, अपने आप को उसको समझ नहीं लेंगे, उसको जान नहीं लेंगे, जब तक आप भागवत की महत्ता को नहीं समझ सकते। जैसे छोटे बालक होते हैं ना, तो जब छोटे छोटे बालक होते हैं और जब परिजन उनको देखने आते हैं, तो उसके हाथ में रुपए पैसे कुछ देकर जाते हैं, पर वह बालक छोटा होता है, वह रुपए पैसे के महत्व को नहीं समझता। तो उस हाथ में तो ले लेगा, पर हाथ में लेने के बाद उसे मुंह में ले ले, उसे फाड़ दे आदि आदि, क्योंकि वह उस नोट के महत्व को नहीं समझता है। फिर वही लड़का थोड़ा बड़ा हो जाए, 8-10 साल का हो जाए, और उसी नोट से जब वह दुकान पे जाए और उसे कोई वस्तु, उसे डेरी मिल्क, उसे टॉफी मिल जाए,
तो फिर वह उसके परिजन फिर उससे कोई मिलना है और उसको नोट देकर जाए तो फिर वो नोट को मुंह में नहीं लेगा, फिर वो नोट को फाड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस नोट के महत्व को समझ चुका है, वह जान चुका है कि इस नोट से डेरी मिल्क मिलती है। उसी प्रकार जब तक हम इस भागवत के महत्व को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस भागवत के फल को, इस भागवत के गुण को नहीं समझेंगे, उसी प्रकार हम उस छोटे बच्चे ने जिस प्रकार नोट का तिरस्कार किया ना, उसी प्रकार हम भी जब तक इस भागवत के महत्व से अवगत न होंगे तब तक हम भी रूम में आराम कर सकते हैं। इसलिए आज आपको यहाँ पर भागवत का महत्व सुनाया जाएगा, भागवत का महात्म्य। यह भागवत का महात्म्य, भागवत की प्रशंसा तो अन्य पुराणों ने भी बहुत की, भागवत की सभी पुराणों ने अपने अपने स्तर से, अपने अपने विवेक से सभी पुराणों ने भागवत की प्रशंसा की, पर पद्म पुराण अंतर्गत यह 6 अध्याय का महात्म्य आज आपको यहाँ पर श्रवण कराया जाएगा। भागवत में सबसे पहले 6 अध्याय में महात्म्य दिया गया है जो कि पद्म पुराण से लिया गया है। तो पद्म पुराण अंतर्गत यह जो महात्म्य है, इसके प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने भगवान का मंगलाचरण किया, तो यहां से वह प्रथम श्लोक सुनाया जाएगा, उसको आप भी दोहराएं। ओम सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान वेद व्यास ने सर्वप्रथम श्लोक से भगवान का मंगलाचरण किया, और भगवान का मंगलाचरण किया इस श्लोक का आप अर्थ समझे। सबसे पहले कहा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सदघन चिदघन और आनंद घन है, घन अर्थात की युक्त, भगवान सतयुक्त हैं, भगवान चित युक्त हैं, भगवान आनंद युक्त हैं। भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहा गया? तो भगवान को सच्चिदानंद इसलिए कहा गया कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद किया जाए तो 3 भागों में होगा, सद चिद और आनंद। सर्वप्रथम सद, सर अर्थात की सत्य, भगवान सत्य स्वरूप है, और सत्य कैसा होता है? सत्य अविनाशी है, जो कि जिसका कभी विनाश न हो, आदि मध्यांत सत्य, जो पहले भी सत्य था, जो आज भी सत्य है और जो आगे भी सत्य रहेगा, वह है परमात्मा। क्योंकि सत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक सत्य और दूसरा होता है परिवर्तनशील सत्य। वास्तविक सत्य और परिवर्तनशील सत्य में बहुत भेद है। जैसे कोई अभी आपसे पूछ ले कि क्या समय हो रहा है, तो आप कहेंगे 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं। आप अभी घड़ी में देखकर 5:30 बज रहे हैं ऐसा बताया, आपने सत्य कहा, वही व्यक्ति आपसे 1 घंटे बाद आकर पूछे कि क्या समय हो रहा है, तो आप कहेंगे 6:30 बज रहे हैं, तो वो कहेगा अरे झूठ बोलते हो, अभी 1 घंटे पहले आपने मुझसे 5:30 कहा था और अब आप 6:30 कह रहे हो। तो गलती उसकी भी नहीं है और गलती आपकी भी नहीं है। यह जो सत्य है, यह परिवर्तनशील सत्य है, जो कि काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से परिवर्तित होता है। तो भगवान अविनाशी हैं, भगवान अकाट्य सत्य हैं, जो कि पहले भी सत्य थे, जब संसार में कुछ नहीं था सिवाय जल के, जब भी वह थे, आज संसार में समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, नित्य रूप से की लीलाएं संपादित हो रही है, प्रत्येक मानव अपना जीवन यापन कर रहा है, सब उसकी कृपा से, यह भी सत्य है। भगवान आज भी हैं, और जब यह संसार
प्रलय हो जाएगा, जब यह संसार प्रलयकालीन अवस्था में चला जाएगा और जब भी वह परमात्मा यहाँ पर रहेंगे तो आदि मध्यांत जो है वह है परमात्मा। तो भगवान सत्स्वरूप है, तो हमें भगवान के महात्म के प्रथम श्लोक के प्रथम अक्षर से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सत्य का साथ करें, सत्य की संगति करें। भगवान सत्य स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, अकाट्य सत्य हैं। और दूसरी बात आती है चिद, चिद यानी होता है चैतन्यता, चैतन्यता जो कि आपके इस देह को चैतन्य बनाए रखती है। आप यूं समझें कि जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में बोया जाता है और वह धीरे धीरे पौधा, पौधे से वृक्ष और वृक्ष से फलदार वृक्ष जब बन जाता है तो उसमें जो चैतन्यता है, एक शिशु जन्म लेता है फिर वह 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल अपनी जीवन शैली को जीता है, यापन करता है, उसके अंदर जो चैतन्यता है वह चैतन्यता भगवान है, वह चैतन्यता ही परमात्मा है। जिस प्रकार जैसे कि कोई संत, आप दिन रात उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, आप दिन रात उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, समय अवस्था के कारण, काल अवस्था के कारण उनका देहांत हो जाए, आप उनकी शव यात्रा में जाएं और घर आकर आप स्नान करें, तो आप जरा विचार कीजिए जिनकी रज पाने के लिए, जिनकी चरण रज पाने के लिए आप घंटों लाइन में लगे रहते थे, आज उनके शव यात्रा में गए तो आप घर आके स्नान किया, चाहे आपने उन्हें स्पर्श किया या न किया फिर भी घर आके स्नान किया। क्यों? क्योंकि आप अशुद्ध हो गए। अशुद्ध आप क्यों हो गए? अशुद्ध क्यों मान लिया आपने उस मृतक शरीर को? क्योंकि उसके अंदर से चेतना खत्म हो गई। ठीक, एक दिन पहले आप उनके मात्र दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगे थे और आज उनकी शव यात्रा में जाकर आप अशुद्ध अपने आप को मान रहे हैं मात्र। क्यों? क्योंकि आप उन संत का पूजन नहीं कर रहे थे, आप उनके राधे, आप उनके हृदय में विराजित वह चैतन्य परमात्मा को प्रणाम कर रहे थे और जब उनके हृदय से वह चैतन्य परमात्मा अलग हो गए, जब उनके हृदय से वह चैतन्य परमात्मा विलग हो गए, तब आपने उस मृतक शरीर को, उसी शरीर को जिसको आप बार बार प्रणाम कर रहे थे, जिसके आप बार बार चरण धोकर पी रहे थे, उसको स्पर्श कर लिया तो अशुद्ध मान लिया। क्यों? क्योंकि जो उनके हृदय में चैतन्यता रूपी परमात्मा थे, चैतन्य रूपी परमात्मा थे, वे अब उनके हृदय में नहीं रहे, वे मात्र एक मिट्टी के समान हो चुके हैं, तो इसलिए आपने आपको अशुद्ध मान लिया। तो उसी प्रकार आप सबके हृदय में भी चैतन्य रूपी परमात्मा विराजित हैं। संसार में जितनी भी जड़ चेतन आदि वस्तुएं हैं उन सब में परमात्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्थापित हैं। तो केवल एक यह विचार, दूसरे शब्द से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, प्रत्येक योनियों में भगवान चेतना के रूप में विराजित हैं। तो हम किसी से भी, आज हम जो बात बात पर लड़ाई कर लेते हैं, बात बात पर द्वेष, बात बात पर हम जो अपने संबंधों में विच्छेद प्रस्तुत करते हैं ना, तो इन विच्छेद के प्रस्तुतिकरण को आप बदलें। भगवान आपके हृदय में भी विराजित हैं और भगवान सामने वाले के हृदय में भी विराजित हैं। जिस दिन यह बात आपने अपने मन में रख ली, जिस दिन यह बात आपने आपके मस्तिष्क में बिठा ली, उस दिन आपस के सारे बैर, उस दिन आपस की सारी लड़ाइयां स्वतः खत्म हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो भगवान आपके, हमारे सभी के हृदय में चैतन्य रूप में विराजित हैं और भगवान वेद व्यास जी ने जब मंगलाचरण किया तो पहला शब्द सद, दूसरा शब्द चिद और तीसरा शब्द आनंद। जो यह आनंद घंत परमात्मा है, इनकी विशेषता यह है, इनका अर्थ यह है कि चराचर जगत में जहां जहां भी जैसा जैसा भी आनंद व्याप्त है वह सब परमात्मा है।
बस हमने आनंद की तुलना को बहुत छोटा कर दिया, हमने आनंद शब्द को बहुत छोटे स्तर पर उपयोग कर लिया। कहीं पे अच्छे से दाल वाफले खाने को मिल जाए तो हाथ धो के साहब आनंद आ गया, कहीं पे अच्छा डेवलप का गद्दा मिल जाए उस पे शयन करें सुबह उठते से ही साहब आनंद आ गया, कहीं पे कहीं मीठा खाने को मिल जाए खाते से ही साहब आनंद आ गया। आपने आनंद शब्द को बहुत छोटा स्थान दे दिया, बहुत सूक्ष्म स्थान दे दिया। यह सब आनंद नहीं है, यह सब एक भाषा में सुख हो सकता है पर यह आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा है। इस संसार में, इस चराचर जगत में जितना भी आनंद है वह आनंद मात्र आनंद स्वरूप परमात्मा तो इस चराचर जगत में जितने भी प्रकार के जिस जीव जो आनंद ले रहे हैं यह सब परमात्मा का स्वरूप है। आपको समोसा खाने के बाद जो आनंद आए वो आनंद नहीं है, उसे आप आनंद कहकर आनंद की उपमा को ठीक तरीके से संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। आनंद उसे नहीं कहा जा सकता। आनंद है भगवान के चरणार विंद में बैठकर भगवान की भक्ति करना, वह है आनंद। आपकी आपके हृदय में कथा को सुनने के बाद तृप्ति का भाव आ जावे उसे कहते हैं आनंद। आपको जिस दिन इस देह गेह से नेह छूट जावे उसे कहते हैं आनंद। जब आप आपकी कीर्ति और आपके तन के मोह से उठ जाएंगे उसे कहते हैं आनंद। आनंद ये छोटी छोटी वस्तुओं में जो प्राप्त होता है यह सुख हो सकता है और आनंद वह है। सीधा सा अर्थ आप समझें कि जिसको प्राप्त करने के बाद किसी दूसरी चीज को प्राप्त करने की आशा न बचे उसे कहते हैं आनंद। संसार में हर शब्द का पर्यायवाची है, हर शब्द का विलोम शब्द है। जिस प्रकार दिन का विलोम रात, उस दुख का विलोम सुख, सुख का विलोम दुख, जिस प्रकार हर शब्द का विलोम है, हर शब्द का पर्यायवाची है, पर साहब एकमात्र शब्द ऐसा है आनंद जो अमर कोश में भी जिसका पर्यायवाची नहीं है, अमर कोश में भी जिसका विलोम शब्द नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वह पूर्ण है ना, और पूर्ण इसलिए है क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप है। और जिसको आनंद आ जावे, जिसको एक बार आनंद आ गया उसको संसार की किसी प्रकार की कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा बाकी नहीं रह जाती, उसे कहते हैं आनंद। आपने दाल वाफले खाए उसके बाद आपको आनंद आ गया, यदि आपको कल भूख न लगे, आपको आगे भोजन न करना पड़े तो मान लेंगे कि दाल वाफले में आनंद था, पर आपको तो फिर दूसरे दिन भूख लगाएगी ना, तो फिर वह आनंद क्या? आनंद तो वह है जो एक बार आ जाए तो कहीं जाता ही नहीं। आनंद साक्षात परमात्मा है और इस चराचर जगत में आप हम सब जो आनंद ले रहे हैं यह आनंद सिर्फ कितना है? परमात्मा के चरणों में प्रीति करने से हमें कितना आनंद प्राप्त होगा उसका मात्र विचार करें कि ये चराचर जगत में जितना भी आनंद व्याप्त है ना, जिससे जड़ चेतन आदि वस्तुएं सभी आनंदित हैं, आप हम सब आनंदित हैं, वो आनंद मात्र कितना दिया है भगवान ने हमें। जैसे कोई खजानची अपने खजाने में से एक गड्डी निकाल के दे दे तो उसके खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसी प्रकार भगवान जो है वो आनंद के सिंधु है। तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, मति करते ते लोक तुपाते, ती करते ते लोक तुपाते, जो आनंद
करते त्रै लोक सुपाते ती करते त्रै लोक सुपाते। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, आनंद का सागर है, और इस चराचर जगत में कितना आनंद दिया कि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर, सीकर शब्द होता है कि जिसने, जैसे परमात्मा समुद्र में आनंद सिंधु के ऊपर नौका में विहार कर रहे हैं, और नौका में विहार करते करते उस आनंद सिंधु में अपनी उंगली डुबाई और उस उंगली को निकाल कर यूं जगत में छीटा, और उस छीटने से जो उस छीटने से जो कण बने, और जो कण एक इस मृत्यु लोक में आकर गिरा, उस कण मात्र से इस संसार में इतना आनंद है, तो सोचो उस परमात्मा के चरणारविंद में कितना आनंद होगा। परमात्मा के चरणारविंद में कितना आनंद है, जिसने सीकर मात्र से इस चराचर जगत को आनंदित कर दिया, इस चराचर जगत को आनंदमय बना दिया, उसके चरणारविंद में कितना आनंद होगा। तो आपसे एक ही विनती, एक ही प्रार्थना कि नित्य प्रति अगर भगवान के मंदिर में जाए ना, तो उनसे कुछ ना मांगे। ये रुपया पैसा माल खजाना पुत्र पौत्र पीढ़ी आदि, ये सब तो माया में बंधने का साधन है, ये सब तो माया में बंधेंगे या आपको बांधेंगे, ये सब नहीं मांगना। भगवान से मांगना है तो एक ही चीज कि हमारे बुद्धि, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, आपके चरणों में हमारी प्रीति सदैव बनी रहे। हे प्रभु, आप सदैव हमसे इस प्रकार के ऐसे आयोजन हमसे करवाते रहें, हम इस प्रकार के आयोजनों में सदैव सम्मिलित होते रहें, और इन आयोजनों में सम्मिलित होने से, भगवान की कथा श्रवण करने से आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में परमात्मा समाएंगे, और जब आपके परमात्मा आपकी बुद्धि में समा जाएंगे ना, तब परमात्मा जब आपके हृदय पटल में विराजित हो जाएंगे, जब परमात्मा आपके हृदय प्रदेश में जब प्रवेश कर लेंगे, उस दिन आपके इस जीवन की, इस देह को धारण करने की सार्थकता है। तो सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, जो सत स्वरूप है, जो चित स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप है। तो भगवान सच्चिदानंद कंद, अब आपने भगवान के रूप को समझा कि भगवान सत से युक्त हैं, भगवान चित से युक्त हैं, और भगवान आनंद से युक्त हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, भगवान के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने हमको भगवान से परिचय करवाया है, और जब हम भी किसी भी व्यक्ति से परिचय करने के लिए जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से जब मिलने के लिए जाते हैं, तो किस प्रकार मिलते हैं, किस प्रकार परिचय करते हैं, कि सबसे पहले तो हम उसका रूप देखते हैं कि भैया व्यक्ति दिखता कैसा है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, और आनंद स्वरूप है। जिसको देखने से, जिसको दर्शन मात्र से हमारे हृदय में सद्भावना प्रेरित हो जाए, हमारे हृदय में जो अज्ञान व्याप्त है वह उनके कृपामय प्रकाश से, चित्तमय प्रकाश से दूर हो जाए, और जिस दिन हम व्यक्तियों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे मानवों के प्रति सद्भावना रखने लग जाएंगे, जिस दिन हम प्रत्येक जीव में चैतन्य स्वरूप मानकर परमात्मा का ध्यान करने लग जाएंगे, उस दिन स्वतः आपके हृदय पटल में आनंद विराजित हो जाएगा। तो इस प्रकार सच्चिदानंद का अर्थ वेद व्यास जी ने हमें बताया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान का स्वरूप है सदयुक्त, चिदयुक्त और आनंद युक्त। फिर दूसरी बात, साहब आप करते क्या है, परिचय करने गए, आपने देख लिया कि व्यक्ति दिखता ऐसा है, तो साहब आप करते क्या हैं कि विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के जो कारक हैं, जिन्होंने इस चराचर जगत को बनाया है, जिसने इस चराचर जगत का निर्माण किया है, वह परमात्मा, कि परमात्मा इस चराचर जगत का निर्माण करते हैं।
मतलब इस चराचर जगत को निर्माण करना, इस चराचर जगत का पालन करना और समय आने पर इस चराचर जगत को खुद में ही विलीन कर लेना, यह परमात्मा का कार्य है। और इस चराचर जगत को वो कैसे बना लेते हैं, चराचर जगत को वो अभिन्नोत्पादन विधि से बनाते हैं। उनके उत्पादन की विधि आप और हम सब समझ भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यह भगवान की लीला मात्र से यह चराचर जगत बन जाता है, यह चराचर जगत का पालन हो जाता है और इस चराचर जगत का संहार हो जाता है। लीला मात्र से, भगवान के केवल लीला कर लेने से इस चराचर जगत का, और भगवान इतने दिव्य और इतने अलौकिक हैं कि ऐसे ब्रह्मांड आज हम 15-40, 15 एकड़, 50 एकड़ के स्वामी अपने आप को समझ के धन के मदान धोकर नित्य पृथ्वी पर घूमते हैं, लेकिन भगवान इस चराचर जगत के स्वामी हैं, फिर भी वहां पर आनंद युक्त हैं, किसी प्रकार का कोई मद, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। लेकिन आप और हम सब थोड़े से धन के प्रभाव में और थोड़े से धन के अभाव में जो अभिमान और जो दुख आते हैं ना, यह मानव की सबसे बड़ी गलती है। धन के अभाव में हम इस प्रकार विलग हो जाते हैं जैसे परमात्मा हमसे छिन गया हो, और उस धन के दुख में, उस धन के संताप में हम इस प्रकार रुष्ट, इस प्रकार खिन्न मना होकर बैठ जाते हैं जैसे हमसे हमारे जीवन छिन लिया गया हो। तो जिस प्रकार हम धन के प्रति जो हमारी तड़प है, जिस प्रकार हमारे पुत्र के प्रति हमारी तड़प है, जिस प्रकार हमारे व्यापार के प्रति हमारी तड़प है, उतनी तड़प, उतनी लगन, उतना स्नेह जिस दिन परमात्मा से हो जाएगा, उस दिन आपका कल्याण निश्चित है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान इस विश्व का पालन करते हैं और भगवान इस विश्व का समय आने पर संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या है, उसके पश्चात भगवान का व्यवहार कैसा है, इनसे व्यवहार करने में, इनसे मित्रता करने में, इनसे प्रेम करने में हमारा लाभ क्या होगा, क्योंकि कलयुग का मानव है ना, बिना लाभ के तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इनसे मिलने में, इनसे बातचीत करने में, इनसे व्यवहार बनाने में हमारा लाभ क्या, तो भगवान के सन्निकट जाने से, भगवान से प्रेम करने से। भगवान तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हैं संसार में, दैहिक, दैविक और भौतिक। और भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से, भगवान का स्मरण धनन करने से आपके तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप यानि आपके देह में जितने भी प्रकार के रोग हैं, ये हैं दैहिक ताप। और दैविक ताप अर्थात कि जो देवताओं के द्वारा दिए गए ताप हैं। और देवता ताप कब देते हैं, जिस प्रकार पितरेश्वर देवता, आपके कुल के सभी पितरेश्वर देवता, जब पितरेश्वर देवताओं को समय पर हम धूप नहीं देते ना, तो पितरेश्वर देवता क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, क्षण भर में तो मान जाते हैं और क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जब जिसे पत्रिकाओं में पितृदोष होता है, और उस पितृदोष के कारण जो नाना प्रकार के विघ्न हमारे घर में, हमारे परिवार में आते हैं, उसे कहते हैं दैविक ताप। जैसे आप आगे कथा में सुनेंगे कि गोलोकवासी इंद्र का पूजन करते थे, और भगवान ने इंद्र का पूजन बंद कराकर गिरिराज का पूजन आरंभ कराया, तो इंद्र रुष्ट हुआ और इंद्र ने जो ताप दिया, जो वर्षा कराई, वह है दैविक ताप। इसे कहते हैं जो देवताओं के द्वारा दिया जाए, वह होता है दैविक ताप। और तीसरा ताप होता है भौतिक ताप। हो सकता है आपको दैहिक ताप ने न घेरा हो सकता है आपको दैविक ताप ने न घेरा हो, पर भौतिक ताप ने तो सभी मनुष्यों को घेर रखा है। भौतिक ताप कैसा, जो यह भौतिकवाद, जो यह साधन हमारी सुविधाओं के लिए जो हमने ही निर्माण किए हैं, जो कृत्रिम संसाधन जितने भी हैं, ये भौतिकवाद वस्तुएं जितनी भी है, भौतिक अर्थार्थ की कृत्रिम उपकरण जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। और मानव द्वारा क्या क्या बनाया गया है,
कि ये गाड़ी मोटर मोबाइल एसी इत्यादि ये जितने भी हैं ये सब आपकी सुविधाओं के लिए हैं, पर ये सुविधा जिस दिन हम इस सुविधा को असुविधा के रूप में इस्तेमाल करने उपयोग करने लग जाएंगे और इनसे जो कष्ट हमें प्राप्त होता है वह होता है भौतिक ताप। कैसे? जैसे आपके पास में गाड़ी है यह आपकी सुविधा के लिए है, पर हम इस गाड़ी का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी का जो मीटर होता है वहां पे लिखा हो रहता है 40 और 60 के, वहां पे हरी लाइन रहती है कि इससे आगे ना जाएं, लेकिन हम इससे आगे जब जाते हैं और किसी ना किसी प्रकार से कोई जब हादसा होता है और उससे जो हमें कष्ट प्राप्त होता है वह होता है भौतिक ताप। जिस प्रकार हमारे घर में नाना प्रकार के संसाधन है, मोबाइल मोबाइल है उपयोग के लिए कि हम बात कर लें, दूर दराज के समाचार हमें सुलभता से प्राप्त हो जाए, पर जब यही मोबाइल जब संदेश गलत पहुंचा दे, जो संदेश परिवार में गुप्त रहना चाहिए वह संदेश परिवार से बाहर इस मोबाइल के माध्यम से चला जाए और जो परिवार में फिर जो लड़ाई जो क्लेश होता है, तो यह जो भी जितने भी ताप है यह होता है भौतिक ताप। तो हमारे उपयोग की हमारे सुविधा की वस्तुओं को जिस दिन हम असुविधा से उपयोग करने लग जाएं और उनसे जो ताप प्राप्त हो उसे कहते हैं भौतिक ताप। लेकिन भगवान की शरण में जाने से लाभ क्या, भगवान से प्रेम करने में लाभ क्या, कि यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का ताप है, आपके अंदर कोई दैहिक ताप है, आपके अंदर कोई दैविक ताप है और आपके अंदर कोई भौतिक ताप है, तो यह भगवान की शरण में जाने से भगवान को नमस्कार करने से यह ताप दूर हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। आपके हृदय में विराजित जो दैहिक दैविक और भौतिक ताप हैं, भगवान की चरण शरण ग्रहण करने लेने मात्र से यह ताप नष्ट हो जाते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सदचित और आनंद स्वरूप है, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, भगवान की चरण शरण ग्रहण करने से हमारे तीनों तापों का नाश हो जाता है। पर कब? श्री कृष्णाय वयम नुमः। फिर भगवान वेद व्यास ने भगवान को प्रणाम किया, श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ पर वयम शब्द का प्रयोग है, व्याकरण में शब्द आते अहम आवाम और वयम। अहम अर्थात कि मैं, आवाम अर्थात कि हम दोनों, और वयम अर्थात कि हम सब। तो यहाँ पे शब्द अहम नुमह नहीं लिखा, आवाम नुमह नहीं लिखा, वयम नुमह लिखा कि हम सब भगवान सच्चिदानंद कंद को प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करने के बाद, भगवान को मंगलाचरण करने के बाद कथा आगे के क्रम में कथा में आता है, भगवान ने सुखदेव जी की वंदना की, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी की वंदना की और आप सब भी हाथ जोड़कर सुखदेव जी को प्रणाम करें, जिनकी कृपा से यह शब्द मई जो भगवान की प्रतिमूर्ति है हम सबको भगवान सुखदेव जी की कृपा से प्राप्त हुई। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई और उस विधि से उस परंपरा के अनुसार आपको और हम सबको भी यह कथा प्राप्त हुई, इसलिए भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। उसके बाद में नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 ऋषि अनेक वर्षों से सत्संग सत्र कर रहे थे। सत्संग सत्र अर्थात कि जिस प्रकार आप और हम सब बैठे हैं ना, उसी प्रकार वे 88,000 ऋषि एकत्रित होकर बैठे थे और इस संसार के कल्याण के विषय में सत्संग कर रहे थे कि संसार के मानवों का कल्याण कैसे हो, इस संसार का मानव किस प्रकार कल्याण को प्राप्त करे, किस प्रकार भगवान के परम पद को प्राप्त करे, इस कार्य पर इस प्रश्न पर चिंता कर रहे थे। तभी उन्हीं के बीच में सूत जी महाराज पधारे और सूत जी महाराज अवस्था में लघु हैं, छोटे हैं, लेकिन जब सूत जी महाराज उनकी सभा में आए तो शौनकादि सभी ऋषि खड़े हो गए और सुखदेव जी का अभिवादन किया।
सुखदेव जी का जब अभिवादन किया और सुखदेव जी को उच्च स्थान पर बिठाया और उच्च स्थान पर बिठाकर भगवान का ध्यान करते हुए गुरुदेव को प्रणाम करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक जी और शौनक जी हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी प्रार्थना करते हैं सूत जी से कि अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ कि हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय में विराजित अज्ञान रूपी अंधकार को आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कीजिए। शौनक जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे हृदय में माया रूपी अंधकार व्याप्त है और आप उस अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आपकी वाणी करोड़ों सूर्यों के समान है, तो हे प्रभु सूता क्या ही कथा सारम, कोई ऐसी कथा का सार सुनाओ जो कि हमारे हृदय में व्याप्त अंधकार को दूर कर दे। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कर्णों को मेरे कानों को रसायन का काम करे, मेरे कानों को औषधि का काम करे। हम सब रोगी हैं और किसके रोगी हैं? क्या रोग है हमें? हमें है माया का रोग। तो हम जिस माया के रोग से ग्रसित हैं, इस माया के रोग से छुटकारा पाना, इस माया के रोग से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान की कथा। तो शौनक जी ने निवेदन किया कि अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूता ख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम कि हे प्रभु आप कृपा करके हमें कोई ऐसा कथा सार सुनाए, कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे हमारे हृदय में जो यह अज्ञान रूपी अंधकार है यह समाप्त हो जाए। और जब यह अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा तो हमें परमात्मा को प्राप्त करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन हम अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करना ही नहीं चाहते। हमने उस अज्ञान रूपी अंधकार को ही, उस अज्ञान को ही, उस माया को ही हमने हमारी दुनिया हमारा जीवन मान लिया है और उसी में हम ऐसे उलझे हैं, उसी में हम ऐसे सिमट चुके हैं कि हमें भगवान दिखते ही नहीं। सोनक जी पुनः निवेदन कर रहे हैं कि भगवान वैष्णव लोग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए क्या साधन करते हैं कि हे प्रभु आगे का युग कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन क्या होगा। और आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप हमें ये बताएं। क्यों? क्योंकि आप गुरु कृपा पात्र हैं, गुरु की कृपा से संपन्न हैं। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक तो चिंतामणि और दूसरा कल्पतरु अर्थात की कल्प वृक्ष। चिंतामणि ऐसी वस्तु है कि उस चिंतामणि को हाथ में लेकर उस चिंतामणि को स्पर्श करके और जिस वस्तु का भी चिंतन किया जावे वह वस्तु आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है, वह वस्तु आपके सामने आ जाती है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, और स्वर्ग में है कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष की छाव में बैठकर जिस वस्तु की कल्पना मात्र कर ली जावे, जिस वस्तु की कल्पना कर ली जावे वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्रभु चिंतामणि और कल्प वृक्ष का भी यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को प्रकट कर दे, भगवान से हमारा साक्षात्कार करा दे, यह चिंतामणि और कल्प वृक्ष के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। तो हे प्रभु आपसे निवेदन है
कि यह सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह मात्र गुरु कृपा में, और आप गुरु कृपा पात्र हैं, आप गुरु कृपा पात्र परम शिष्य हैं गुरु जी के, तो आपसे बारंबार निवेदन है कि हमें कोई ऐसी कथा सार सुनाया जाए, हमें कोई ऐसी कथा सुनाई जाए जिससे हमारे हृदय का अंधकार समाप्त हो जाए। तो सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि ऋषियों, तुमने मानव मात्र के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है और तुम्हें मैं परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराऊंगा। आगे जो लोक आने वाला है वह है मृत्युलोक। जब इस कलिकाल में लोग जन्म लेंगे तो सबसे बड़ा भय यदि संसार में कोई रहेगा तो वह रहेगा मृत्यु का, और इस मृत्यु के भय से समस्त प्राणी भयाक्रांत हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि मृत्यु के भय को भी दूर कर दे, मृत्यु के भय को भी जो समाप्त कर दे, वैसी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया कि मृत्यु को भय को दूर कर दे, तो के हाँ परीक्षित को मृत्यु सप्त दिवस में उनकी मृत्यु हो जाएगी ऐसा श्राप लगा था, और परीक्षित ने तुरंत जिसे ही श्राप का उन्हें पता चला वे तुरंत घर छोड़ के पुत्र का राज्याभिषेक करके गंगा के तट पर आकर विराजित हो गए, और तब सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया जिससे उनकी मृत्यु का भय खत्म हो गया, भय समाप्त हो गया। तो मैं तुम्हें ऐसी कथा श्रवण कराऊंगा जिससे मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाए। शौनकादियों ने निवेदन किया कि आप कृपा करके हमें वैसी कथा सुनाएं। तो फिर सूत जी निवेदन कर रहे हैं कि जब राजा परीक्षित को मृत्यु का भय हुआ और जब हम सुखदेव जी उन्हें कथा सुनाने के लिए विराजित हुए, जब विराजित होकर वे कथा श्रवण करा रहे थे तो उसी समय वहां पर देवता लोग स्वर्ग से अमृत लेकर आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन, वहां पे देवताओं का आगमन हो गया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा कुंभ हाथ में लेकर वे उस सभा में आए और सुखदेव जी से निवेदन करने लगे कि प्रभु परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा है और इस अमृत कुंभ में अमृत है, इस कुंभ के अंदर अमृत भरा हुआ है, आप एक काम कीजिए, जो यह सुधामृत है यह आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए जिससे इनके मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, ये अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, और यह जो सुधामृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और यह जो कथामृत है यह आप हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि तुम्हें यह अमृत पीने की इच्छा है, तो परीक्षित जी ने कहा कि आप इन दोनों अमृतों में सुधामृत में और कथामृत में अंतर बताएं, फिर मैं निश्चय करूंगा कि कौन सा अमृत पीना है। तो आप भी श्रवण करें कि सुधामृत इतना दुर्लभ जो कि समुद्र मंथन हुआ, बहुत दैत्य दानवों का, बहुत दैत्य का, देवताओं का बहुत बड़ा महासंग्राम हुआ, उसके पश्चात वह अमृत निकला, समुद्र मंथन के पश्चात वह अमृत निकला, एक तरफ तो सुधामृत और दूसरी तरफ कथामृत, भगवान की कथा रूपी जो अमृत है वह। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि सुधामृत और कथामृत में अंतर ऐसा है कि सुधामृत अमरत्व को प्रदान करता है और कथामृत अभयत्व को प्रदान करता है। सुधामृत जो है वह बड़े बड़े पुण्यात्माओं को मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग में वह जब जाता है तब उसे वह अमृत पिलाया जाता है, लेकिन भागवतामृत एक ऐसा है जो वह पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसा भी पुरुष हो, उसे हर किसी पुरुष को यह अमृत पिलाया जा सकता है, सभी को यह अमृत प्राप्त करने का हक है, सभी को इस अमृत प्राप्त करने की पात्रता है, पर सुधामृत को प्राप्त करने की किसी किसी को पात्रता है। सुधामृत में सबसे पहली बात तो पक्षपात है, वह किसी किसी व्यक्ति को मिलता है, और सुधामृत जो होता है वह किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है, और सुधामृत स्वर्ग में आपको स्थान तो दे देगा
पर सुधामृत जो है धीरे धीरे पुण्यों को नष्ट करता है, और आपके पुण्यों के प्रताप से जो आपको स्वर्ग मिला, आप स्वर्ग में भोग विलासिताओं का आनंद ले रहे हैं, धीरे धीरे जब आपके भोग विलासिताओं के माध्यम से जब आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तब वही स्वर्ग के पार्षद, तब वही स्वर्ग का राजा इंद्र आपको पुनः पृथ्वी पर भेज देगा। लेकिन हरि कथामृत क्या है, कलमशाप हम, जो कि इस कलयुग के कलमशों को, हमारे द्वारा किए गए दुष्कृत्यों को, हमारे द्वारा की गई गलतियों को, हमारे द्वारा किए गए अपराधों को जो क्षमा कर दे, हमारा द्वारा कि हमारे द्वारा किए गए कुकर्मों को जो क्षमा कर दे, और इनको क्षमा करने के बाद, अर्थात कि एक वह जो अमृत है सुधामृत, वह पुण्यों को घटाने वाला है, और यह जो हरि कथामृत है यह पापों को मिटाने वाला है। हम गाते हैं ना आरती में, पापियों को पाप से है तारती, तो यह जो हरि कथामृत है यह पापियों को भी तारती है। तो हे परीक्षित, अब तुम्हारे हाथ में निर्णय है कि तुम्हें कौन सा अमृत सुनना है, कौन सा अमृत प्राप्त करना है। या तो सुधामृत प्राप्त कर लो, जिससे कि तुम्हें अमृतत्व का प्रदान हो जाएगा, तुम्हारी 7 दिन के बाद मृत्यु नहीं होगी, या फिर ये कथामृत प्रदान कर लो, जिससे तुम्हें अभयत्व प्रदान हो जाएगा, तुम्हें मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा। तो जहां पर, और परीक्षित जी भी साधारण श्रोता नहीं थे, परीक्षित जी वह हैं जो उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ पर किया, तो भगवान अंगुष्ठ प्रमाण होकर उत्तरा के गर्भ में गए और राजा परीक्षित को दर्शन दिया, और जिसने जिस भगवान ने राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा कर ली हो, जिसने गर्भ में जिसको दर्शन दे दिए हो, वो उसे फिर संसार की माया या संसार का अमृत या संसार की भोग विलासिताएं अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर केंद्रित नहीं कर सकती। उसी प्रकार तो भगवान सुखदेव ने जब राजा परीक्षित से पूछा कि तुम्हें कथामृत चाहिए या सुधामृत चाहिए, तो राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मुझे तो कथामृत ही चाहिए। और फिर सुखदेव बाबा ने इंद्रादि देवताओं को कहा कि अरे ठगियाओं, तुम जब अमृत लेकर आए तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तुम्हारा इसमें स्वार्थ है। और देवताओं का क्या स्वार्थ है कि स्वर्ग में सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, स्वर्ग में आपको खाने पीने को अच्छा मिल सकता है, स्वर्ग में आपने को पहनने ओढ़ने के लिए अच्छा मिल सकता है, स्वर्ग में आपको नृत्य मदिरा आदि का आश्रय मिल सकता है, पर स्वर्ग में कथा का आश्रय नहीं मिल सकता। श्रीमद भागवती वार्ता सुराणाम पे दुर्लभा, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। यह भागवत जो हमें सुलभता से प्राप्त हो जाती है, भगवान की कृपा के फलस्वरूप प्राप्त हो जाती है, यह भागवत देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। और जो हमें यह सुलभता से भागवत प्राप्त हुई है, इसके प्रति हम भगवान का बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करें। और फिर देवताओं को सुखदेव जी ने वहां से भगा दिया, कहा कि क्व स्वधा को कथा लोके को काचह को मणिर महान, कि कहां आपका अमृत और कहां हमारा कथामृत। जिस प्रकार एक कांच की तुलना करोड़ों की मणि से नहीं हो सकती है, कांच के टुकड़े की तुलना, उसी प्रकार इस कथामृत की तुलना सुधामृत से, अमृत से नहीं हो सकती। तो तुम जब अमृत देने आए तभी हम समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तुम्हारा स्वार्थ जरूर है। स्वार्थ कुशलाहा सुराहा, जो देवता हैं वह अपने स्वार्थ में बड़े कुशल हैं। तो वे जब आए तो उन्होंने अमृत का प्रस्ताव रखा, परीक्षित के पूछने पर परीक्षित जी ने अमृत लेने से मना कर दिया। सुखदेव बाबा ने इंद्रादि देवताओं को वापस भेज दिया कि अगर तुम श्रद्धा के साथ आते, विनय के साथ आते और कहते कि हमें भी कथामृत सुनना है, तो मैं तुम्हें जरूर कथामृत प्रदान करता, पर तुम ठगी बनकर आए हो, तो मैं कांच का टुकड़ा लेकर कि सुखदेव बाबा ने हमें कथामृत देने से मना कर दिया, कथामृत हमें नहीं पिलाया,
तो क्या हमारा सुधामृत कथामृत के सामने इतना लघु है या हमारा इतना भी हमारी इतनी भी पात्रता नहीं कि हम कथा ना सुन सकें? तो बोले कि कितनी कथा में कथामृत में कितनी विशेषताएं, अभी 7 दिन बाद जब परीक्षित का मोक्ष होता है या न होता है, परीक्षित को अभयत्व प्राप्त होता है या नहीं होता है पता चल जाएगा। सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज को 7 दिवस की कथा सुनाई और अंत में जब परीक्षित का मोक्ष हुआ तो ब्रह्मादि देवताओं को अत्यंत विस्मय हुआ और स्वर्ग में फिर एक तराजू रखा गया, उसके एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा गया और दूसरे पलड़े पर अन्य धर्म शास्त्रादि को रखे गए और देखा तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। उस दिन से यह सिद्ध हो गया कि सभी प्रकार के ग्रंथ एक तरफ और श्रीमद् भागवत कथा एक तरफ, तो हरि कथामृत जो है वह अभयत्व को प्रदान करने वाला है और आप सबके अहो भाग्य जो हमें यह श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हो रही है। यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है, देवताओं को भी साधारणतया प्राप्त नहीं हो सकती। तो निवेदन है कि जो यह भगवान की कथा हमें प्राप्त हुई इसके प्रति हम भगवान के प्रति हम बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करें, बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करें। और जब ब्रह्मा को विस्मय हुआ तो इंद्रादि देवताओं ने भागवत की विजय पर खूब आनंददायक प्रश्नादि किए। उसके पश्चात शौनक जी पुनः निवेदन सूत जी से कर रहे हैं कि आपने अभी बताया कि परीक्षित को सप्ताह भर में अभयत्व का प्रदान श्रीमद् भागवत कथा ने किया, तो यह सप्ताह विधि कैसे प्रारंभ हुई? इसको 7 दिनों में ही क्यों सुनी जाए, इसे 7 दिन की क्यों की जाए, इसका विधान क्या है? तो सूत जी बता रहे हैं कि एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह चारों भाई यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, यह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो यह चारों भ्राता और इनकी विशेषता यह थी कि यह सदैव सत्संग में लीन रहते, भगवान की कथा में लीन रहते। इन्हें कोई कथा सुनाने वाला मिल जाता तो यह चारों भाई बैठकर कथा सुनने लग जाते, और यदि कोई सुनाने वाला नहीं मिलता तो एक भाई कथा बोलता और 3 भाई कथा सुनते। नित्य निरंतर भगवान का हरिनाम संकीर्तन, भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं। तो बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में यह चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे और थोड़ी दूर से जब नारद जी को खड़े देखा तो चारों भाई बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो नारद जी के दर्शन हो गए, आज तो अवश्य सत्संग को मिलेगा। और जब वे नारद जी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो जब नारद जी के समीप पहुंचे तो नारद जी के चेहरे को देखकर, नारद जी के मुख की अवस्था को देखकर कहा कि आपको किस प्रकार की चिंता है, आप क्यों चिंतित हैं, आप इस प्रकार खिन्न मना क्यों होकर बैठे हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़े कंजूस व्यक्ति का धन गिर गया हो। और आपका धन क्या गिर गया, आपके पास तो किसी प्रकार का कोई धन है ही नहीं, आपने तो कभी कोई झोपड़ी भी नहीं बनाई क्योंकि आप तो कहीं टिकते ही नहीं 2 क्षण से ज्यादा, तो आपका इस प्रकार उदास क्यों है? और लोग, इस चराचर जगत के लोग संतों के पास जाते हैं शांति की तलाश में कि संत के चरण शरण को ग्रहण करेंगे तो हमें शांति प्राप्त होगी, पर जब आपके जैसे महान संत इस प्रकार अशांत अवस्था में दिखेंगे तो यह जगत के लोगों को शांति कहाँ प्राप्त होगी? और आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका कोई धन गिर गया हो, और आपका धन तो कहीं गिर ही नहीं सकता क्योंकि संतों का धन क्या है? ओ हमारो धन राधा त्रिराधा त्रिराधा, हमारो धन राधा त्रिराधा त्रिराधा, हमारो धन राधा त्रिराधा त्रिराधा, हमारो धन राधा परम धन राधा 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 राधा।
को इस प्रकार उदास देखकर यह प्रतीत नहीं होता आपका किस प्रकार का धन चला गया। तो नारद जी कहते हैं कि मैं मानव मात्र के कल्याण की इच्छा से और मेरा मन अशांत था तो मेरे मन की शांति की इच्छा से मैं मृत्यु लोक में गया और जब मैं मृत्यु लोक में गया तो मैंने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया और समस्त तीर्थों में जब मैंने जाकर देखा तो समस्त तीर्थों में अधर्म ने अपना स्थान स्थापित कर रखा है, पाखंड ने अपना स्थान स्थापित कर रखा है, किसी प्रकार का कोई धर्म कहीं मुझे दिखा नहीं। कहां कहां गए कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा मैं पुष्कर काशी आदि सभी तीर्थ में गया लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। लेकिन जब मुझे तीर्थों में शांति नहीं मिली तो मैंने विचार किया कि जब तीर्थों में शांति नहीं है तो चलो संतों के पास शांति मिलेगी। पर जब संतों के पास जाकर मैंने देखा तो वहां तो और अति विचित्र विडंबना थी कि संतों का तो वास्तविक स्वरूप ही बदल गया। संतों का वास्तविक स्वरूप इस प्रकार बदल गया कि पहले के समय में जितने विरक्त जितने त्यागी होते थे जितना त्याग होता था वह उतना महान संत होता था। पर आज संतों की यह विशेषता हो गई है कि जब तक ऐश्वर्य से संपन्न नहीं है, जब तक 25 से 30 लाख की कार नहीं है, जब तक 10-12 एकड़ का आश्रम नहीं है, तब तक वह महान है ही नहीं। जो ऐश्वर्यशाली है, जो ऐश्वर्यशाली बाबा है उन्हीं के लाखों शिष्य बनेंगे, उन्हीं के संत, उन्हीं को संत माना जाएगा। आज ये विशेषता हो गई संतों की विडंबना ये थी कि संत का अर्थ ही बदल गया। मैं जब गया तो
तो बड़े बड़े बंगले बड़ी बड़ी कार खड़ी थी। मैंने पूछा कि ये आश्रम किसका है, तो कि ये त्यागी जी बाबा का नाम है, त्यागी बाबा। और बड़ी बड़ी कारें और बड़े बड़े बंगले। मैं थोड़ा और आगे गया तो एक आश्रम से बहुत जोर जोर से चिल्ला पुकार की आवाज आ रही थी, तो मैंने पूछ लिया यह किसका आश्रम है, तो बोले मौनी बाबा, नाम है आश्रम मौनी बाबा का, और वहां पे सबसे ज्यादा चोर सबसे ज्यादा चिल्ला चोट हो रही है। थोड़ी और आगे गया तो एक जगह बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे खेल रहे, तो मैंने पूछा कि ये किसका आश्रम है, तो के ब्रह्मचारी बाबा का छोटे, और ये बच्चे बोले ब्रह्मचारी बाबा के नाम है ब्रह्मचारी बाबा, और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो संतों की तो ये स्थिति हो चुकी है। तो जब संतों के पास भी जब मुझे शांति नहीं मिली, तो मैंने कहा चलो गृहस्थों के पास जाके देख लिया जाए। तो जब भगवान सनक सनंदन को नारद जी बता रहे हैं कि जब नारद जी गृहस्थों के बीच में आए ना, तो यहाँ पर संतों से भी ज्यादा विपरीत स्थिति, संतों से भी ज्यादा बेकार स्थिति। क्या कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायी कह, और कन्या विक्रेणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे, तरुणी प्रभुता गे का अर्थ है कि घर में अगर कोई निर्णय लेना हो, घर में किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना है, तो तरुणी प्रभुता गे। प्रभुता किसकी रहेगी, तरुणी की, जो घर में स्त्री है ना उसकी। पहले के समय में निर्णय लिए जाते थे, पुरुष वर्ग अपने स्तर पर निर्णय ले लेते थे, लेकिन नहीं, अब जब तक स्त्री की उसमें सलाह नहीं होगी, अगर कोई बहू के लिए रकम ही बनवानी और जब तक पूछ के नहीं गए कि कितने तोले की बनवानी है, फिर वो रकम बहू के पास जा ही नहीं सकती। तो उसी प्रकार जब तक स्त्रियों की सलाह नहीं ली जाएगी, जब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं है, ये गृहस्थों की दशा थी कि तरुणी प्रभुता के है, तरुणियों की घर में चल रही है। और श्याल को बुद्धिदायक, अगर किसी प्रकार की कोई सलाह लेनी है तो साले साहब को ससुराल से बुलाया जाता है। श्याल को बुद्धिदायक, और कोई स्वयं का कोई किसी प्रकार का कोई निर्णय करना है तो खुद अपने पिताजी से नहीं पूछा जाएगा, अपने साले को फोन लगाकर पूछा जाएगा। तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभात, कन्या का विक्रय हो रहा है। पहले होते थे संबंध और अब होता है विक्रय। पहले समधि, हम समधि कहते हैं ना बेई जी, समधि, समधि का अर्थ है सम, और धी सम अर्थात समान, और धी अर्थात बुद्धि। जिनकी समान बुद्धि हो वो होते हैं समधि, लेकिन आजकल समान बुद्धि नहीं देखी जाती, आजकल समान बैंक बैलेंस देखा जाता है कि हमारे खाते में इतने हैं, तो हम भी किसी गरीब को अपनी बेटी क्यों दें, या हम किसी गरीब की बेटी क्यों लाएं, हम तो बिल्कुल बराबर में, जो हमारे जितना ही करोड़पति होगा। तो उस प्रकार कन्या विक्रणो लोभाद, आजकल संबंध नहीं होते, आजकल सौदे होते हैं। कन्या विक्रणो लोभाद और दंपत्ति नाम च कलकनम, और इन सब क्रियाओं के करने से जब आपके घर में आपकी पत्नी की, स्त्री की जिस घर में चलने लग जाएगी, जिस घर में सालों से शिक्षा ली जाएगी, सालों से सलाह ली जाएगी, और जिस घर में कन्याओं का विक्रय होने लग जाएगा, तो दंपत्ति नाम च कलकनम, वहां पे हम सदैव कलह विराजित रहेगी, वहां पे कभी आप सुख शांति से नहीं रह सकते। किसी ना किसी प्रकार का कष्ट, किसी ना किसी प्रकार की कलह वहां पर सदैव स्थापित रहेगी। इसके लिए गृहस्थों की तो ये स्थिति थी, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तो मैंने विचार किया कि जब पुष्कर आदि तीर्थों में शांति नहीं है, जब संतों के पास शांति नहीं है, जब गृहस्थ धर्म में शांति नहीं है, तो शांति कहाँ मिलेगी। तो शांति की तलाश में नारद जी विचार कर रहे हैं कि जहां पर भगवान अवतार लेकर आए, और जिन्होंने अपनी अनन्य लीलाओं को जिस स्थान पर संपादित किया, श्रीधाम वृंदावन, मैं वहां जाऊं और वहां मुझे अवश्य शांति मिलेगी। और नारद जी श्रीधाम वृंदावन पधारे, और नारद जी को यहाँ पर शांति मिली, और आप और हम सबका भी यह भाग्य कि हम भी यहाँ श्रीधाम वृंदावन में विराजित हैं। लेकिन जब नारद जी यहाँ आए, तो यहाँ पर भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि यहाँ पर एक नव यौवना स्त्री, यहाँ पर एक नव यौवना स्त्री अपनी गोद में दो वृद्ध पुरुषों को लेटाकर बैठी, और आसपास अनेकानेक स्त्रियों ने झुंड बनाकर रखा है। जब नारद जी ने देखा कि एक नव यौवना स्त्री जो कि रुदन कर रही है, उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, और आसपास बहुत सारी दूसरी अन्य स्त्रियां खड़ी है,
तो इससे किस प्रकार का कष्ट है, जाकर मुझे इसका कष्ट मिटाना चाहिए, क्योंकि दूसरों के दुख को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो जाए वह संत, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय ही नवनीत के समान है। नवनीत कहते हैं मक्खन को, और मक्खन कब पिघलता है, जब उसके ऊपर अग्नि लगती है, तो संत का हृदय भी उसी प्रकार पिघल जाता है। संत का हृदय कब पिघल जाता है, संत होते हैं मानव कल्याण के, मानव कल्याण के लिए, और जब वह मानव किसी ना किसी प्रकार से दुखी होता है, और जब वह दुखी होता है, और जब वह दुखी, जब नारद जी ने उस स्त्री को दुखी देखा तो नारद जी का हृदय पिघल गया, और नारद जी ने सोचा कि उसके पास में जाकर उसके दुख का कारण पूछूं, पर नारद जी ने फिर विचार किया कि वहां पर एक भी पुरुष नहीं है, दो पुरुष हैं, वो भी मूर्छित हैं, और वहां पे समस्त स्त्रियों का समुदाय है, मेरा वहां जाना उचित नहीं होगा। तो नारद जी वहां नहीं गए और मुड़कर पुनः विचरण कर रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। उस स्त्री ने आवाज दी कि क्षण भर रुकें, हे साधु क्षण भर रुकें। जब आवाज दी तो नारद जी रुके, और फिर नारद जी उन स्त्रियों के पास गए और स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं, और आपकी यह स्थिति क्यों है, आप क्यों रो रही हैं, आप कौन हैं, आपकी गोद में यह जो पुत्र है यह कौन है, स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके दुख का कारण मुझे बताओ। तो भक्ति महारानी अपना परिचय दे रही है कि अहम भक्तिरिति अस्मा इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ, कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान एवं वैराग्य इनका नाम है, और ये काल के योग से जर्जर हो गए। तो नारद जी विचार करने लगे कि ये भक्ति और इसके पुत्र, सदैव आपने देखा होगा कि माता वृद्ध होती है तो पुत्र युवा होते हैं, लेकिन यहाँ पर माता युवा है और पुत्र वृद्ध है, क्यों? तो जब नारद जी ने भक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों, तो भक्ति महारानी कह रही है कि मैं अनेक देशों का भ्रमण कर रही थी, मेरा जन्म हुआ, फिर मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, कई देशों में मुझे सम्मान मिला और कई देशों में पाखंड के चलते मुझे बहुत अपमान झेलना पड़ा, और इन पाखंड से बचते 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 मैं श्रीधाम वृंदावन में आ गई, और श्रीधाम वृंदावन की रज के प्रताप से, श्री वृंदावन धाम की महिमा के प्रताप से मैं तो नवयौवना हो गई, परंतु मेरे पुत्र काल योग से जर्जर है। तो नारद जी कहते हैं कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिम रित्यति यत्र च, कि हे वृंदावन धाम धन्य है, यह वृंदावन धाम धन्य है, यहाँ पर भक्ति नित्य निरंतर नृत्य करती है। तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए भक्ति माता ने नारद जी से प्रार्थना की कि आप इनका किसी भी प्रकार से इसका कल्याण करें, किसी भी प्रकार से मेरे पुत्रों का कल्याण करें, जिससे इनकी यह जर्जर अवस्था ठीक होवे और यह पुनः पहले के समान हो जावे। और भक्ति मात्र ऐसा निवेदन कर रही है, भक्ति अगर अकेली भक्ति रहेगी तो उससे फायदा नहीं है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होनी चाहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और जिस प्रकार एक माँ की पूर्णता नहीं होती संतान के बिना, उसी प्रकार भक्ति की पूर्णता नहीं है ज्ञान और वैराग्य के बिना। इसलिए भक्ति मात्र न रहे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सहित हो। नारद जी ने विचार किया कि अगर कलयुग के प्रभाव से, काल के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की यह स्थिति है तो आगे तो घोर कलिकाल आ रहा है, तो उस समय ज्ञान और वैराग्य की क्या स्थिति रहेगी, और बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति तो बांझ है, बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति तो किसी कार्य की नहीं है। तो नारद जी ने निश्चय किया और भक्ति को आश्वासन दिया कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र को ठीक जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा। और फिर नारद जी उन्हें ठीक करने का खूब प्रयास करने लगे। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुः, बार बार वेद वेदांतों का पाठ सुनाया, बार बार गीता पाठ सुनाया, लेकिन जब तक वेद के उच्चारण, वेद मंत्र का उच्चारण होता, जब तक गीता पाठ चलता, तब तक तो थोड़ी चेतना
तब तक तो थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते, पर जैसे ही भी नारद जी मंत्र बंद करते, नारद जी बोलना बंद करते और पुनः काल का ज्ञान और वैराग्य काल के वशीभूत होकर पुनः पृथ्वी पर लेट जाते। बार बार खूब प्रयास करने पर नारद जी चिंतित हो गए कि मैंने हर प्रकार से वेद वेदांत गीता पाठ आदि सभी धर्म ग्रंथों का श्रवण इन्हें करा दिया, पर इनकी मूर्छा दूर ही नहीं हो रही है। मैं किस प्रकार इनकी मूर्छा को दूर करूं, हे भगवान कोई कारण बताएं। तभी उस समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद उद्यम करो। उद्यम करने से इनकी इनको चेतना प्राप्त होगी और ये पहले के समान हो जाएंगे। तो कि कैसा उद्यम करूं, तो कि सत्कर्म रूपी उद्यम करो, सत्कर्म करो। तो कि कौन सा सत्कर्म करूं, कि यह तुम्हें कोई संत बताएगा। अब आकाशवाणी समाप्त हो गई कि सत्कर्म करो और सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। आकाशवाणी ने गोलमोल बातें कर दी कि कोई संत बताएगा, कोई एक संत का नाम बता दे कि फलाने दास जी आपको यह इसका सत्कर्म क्या होता है ये बताएंगे, तो वहां जाकर मैं पूछ लेता और उस सत्कर्म को कर देता। लेकिन ना तो कोई संत का नाम बताया और ना कोई सत्कर्म का नाम बताया। क्या मैं जो वेद वेदांत के पाठ कर रहा था, जो मैं गीता पाठ कर रहा था, क्या यह सत्कर्म नहीं है? तो बोले उद्यम करो, सत्कर्म करो, तुम्हें कोई संत बताएगा। अब नारद जी संतों के पास गए और पूछने लगे कि सत्कर्म क्या है। अब जो छोटे मोटे संत हैं वो तो नारद जी को पास में आते देख के, अरे नारद जी प्रश्न करेंगे, तो घबरा के अपना दंड कमंडल उठाया और यत्र तत्र कहीं चले गए। जो थोड़े बहुत नामी धामी थे, जो कहीं जा नहीं सकते, उनके पास नारद जी ने जाके पूछा कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म की विधा क्या है। तो अब उनको मालूम है कि नारद जी को क्या उत्तर दिया जाए। तुमने इसे अपने शिष्यों से बोल दिया कि नारद जी आएंगे, बोल देना गुरु जी ने मौन रख रखा है, आधे मौनी हो गए। तो जब नारद जी को कहीं भी किसी संत से यह उत्तर नहीं मिला कि सत्कर्म क्या है, तो नारद जी चिंतित होकर बद्रीनाथ धाम में गए और बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चारों भाइयों से मिले और फिर जब उनको अपनी यथा व्यथा सुनाई, तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भाइयों ने कहा, अरे नारद जी इतनी छोटी सी बात आप इतने चिंतित हो, इतने छोटे से विषय को लेकर आप इतने चिंतित हो रहे हैं। सत्कर्म सूचको नीनम ज्ञान यज्ञम करो बुधई ही। सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। आप और हम सब जो ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, यही है सत्कर्म। और इसके करने से निश्चित ही ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान और वैराग्य को चेतना आ जाएगी, ज्ञान और वैराग्य पहले जैसे हो जाएंगे। तो नारद जी को सत्कर्म का विधान बतलाकर कहा कि हम श्रीमद् भागवत करेंगे, जो कि सुखदेव जी महाराज के मुख से प्रस्फुटित है, जो परम संहिता है, आदि आदि भागवत की प्रशंसा की। लेकिन फिर नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि प्रभु मैंने जो वेद वेदांत, मैंने जो गीता पाठ सुनाया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? वेद का पका हुआ फल ही तो भागवत है। तो जब मैंने वेद ही सुना दिया, तो उसके बाद उस वेद का फल है भागवत, तो भागवत के सुनाने से अब क्या होगा, मैं ये काम तो कर चुका हूं। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि जितना मीठा आम होता है, उतना मीठा आम का जड़, आम की जड़ नहीं होती, आम का वृक्ष, आम के पत्ते नहीं होते। रस तो फल में ही है, हम खाते तो आम का फल ही है, तो इसलिए खाने योग्य हे आम का फल, उसी प्रकार सत्कर्म योग्य है यह श्रीमद् भागवत। मानते हैं कि वेद का फल है, पर जिस प्रकार आम मीठा है, आम का वृक्ष मीठा नहीं है, उसी प्रकार यह फल मीठा है। वेद वेदांत का यह फल है और इसके करने से निश्चित ही ज्ञान वैराग्य को चेतना अवश्य प्राप्त होगी। इस तो इसका आयोजन कैसा किया जाए, तो सुंदर पांडाल की व्यवस्था की जाए सर्वप्रथम। तो उस समय जो यह चर्चा चल रही थी, ये बद्रीनाथ धाम में चल रही थी। बद्रीनाथ धाम से नीचे वे हरिद्वार आए। हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सुंदर बालू का मंडप बनाया गया, सनकादि ऋषियों को उच्च स्थान पर बैठाया गया और भृगु आदि ऋषि
सभी वहां पर एकत्रित हुए, सब विरक्त संत एकत्रित हुए अपने शिष्यों के साथ, सभी गृहस्थ संत एकत्रित हुए और भागवत का दिव्य आयोजन वहां पर संपादित होने वाला था। और जिस प्रकार हम भागवत के पूर्व संकीर्तन करते हैं, उसके पूर्व वे भी संकीर्तन कर रहे थे, और उस संकीर्तन करने मात्र से उस संकीर्तन के अंत में वहां पर माता भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर आ गई और नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान की जय। वहां पर दिव्य कथा संपादित हुई, सभी ऋषियों ने, सभी श्रोताओं ने आश्चर्य किया कि यह कौन है, इसके साथ यह दो पुत्र कौन है। फिर भगवान नारद ने सभी को परिचय कराया कि यह माता भक्ति है, इनके यह दो पुत्र ज्ञान वैराग्य जो कि काल योग से जर्जर थे, इन्हीं की काल योग इनकी जर्जरता को दूर करने के लिए ही यह आयोजन को संपादित किया जा रहा था, जो कि संकल्प मात्र से इनकी जर्जरता दूर हो गई और ये पुनः पहले के समान यौवन से परिपूर्ण हो गए, बलिष्ठ हो गए।
तो भागवत की अनेकानेक महिमा सनकादि ऋषियों ने श्रोताओं को श्रवण कराई, नारद जी को श्रवण कराई। उसके बाद सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि जब भक्ति वहां पर प्रकट हुई तो भक्ति ने पूछा नारद जी से कि अब मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ जाकर बैठूं। आपने सभी को बैठाने की अलग अलग व्यवस्थाएं की है, अब मैं कहाँ जाकर बैठूं? तो नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम भक्त के हृदय में जाकर बैठो, और जिस जिस भक्त के हृदय में भी आप जाकर बैठ जाएंगे, जिस जिस के भक्त के हृदय में भी भक्ति रूपी ज्ञान होगा, उनको उनके हृदय में परमात्मा अवरुद्ध हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। यह शब्द लिखा है यहाँ पर, यह नहीं लिखा कि परमात्मा आ जाएंगे, अवरुद्ध लिखा है। अवरुद्ध संस्कृत में कैद को अवरुद्ध कहते हैं, जैसे किसी को कैद कर लिया जाए, जिसे आपने कोई अपराध कर दिया हो और उसके बाद आपको जेल में बंद कर दिया जाए, तो जेल में आपको बंद कर दिया, अब आप जेल में से कब निकलेंगे? जब वो जेलर की इच्छा होगी कि अब इसको निकालना है, इसकी सजा पूर्ण हो गई। उसी प्रकार भगवान जिसके हृदय में भक्ति होती है, भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर वह उनकी इच्छा से बाहर नहीं निकल सकते। फिर जब भक्त चाहेगा कि अब भगवान हृदय से निकले, तब भगवान निकलेंगे। और जो भक्त होता है वह तो कभी ऐसा चाह ही नहीं सकता, तो भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे, अर्थात कि सदा सर्वदा के लिए भक्त के हृदय में विराजित हो जाएंगे। पर कब? जब भक्ति आपके हृदय में होगी। तो पहले हमें भक्ति को पाना होगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। आपने जो चरित्र सुना अभी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का सुना, और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने की विधाएं क्या है, और इनको प्राप्त करने से क्या फल है, इनको प्राप्त करने से लाभ क्या? तो इनको प्राप्त करने से लाभ यह है कि जब भगवान के चरणारविंद से, भगवान के स्वरूप से जब हम प्रेम करेंगे, नित्य उनका नाम संकीर्तन, नित्य उनका गुणानुवाद गाएंगे, तब हमें भगवान की भक्ति में प्रीति होगी, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। और जब भगवान की हम भक्ति करेंगे, नित्य भगवान की पूजन अर्चन सेवा आदि करेंगे, तो हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता चले जाएगा। और जब हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता चले जाएगा, जब हम भगवान की भक्ति के माध्यम से भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और जब हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो धीरे 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 संसार की आसक्ति से हम विलग हो जाएंगे। और जब संसार की आसक्ति से विलग हो गए, तो हमें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन भक्ति के माध्यम से ज्ञान की पात्रता, और ज्ञान की पात्रता से आपका वैराग्य धारण हो गया, उस दिन ये मानव देह की सार्थकता है, और उस दिन इस कथा सुनने की सार्थकता आपको रहेगी। तो हमें यह विचार करें, हमें यह विचार करना है कि सर्वप्रथम तो हमारे हृदय प्रदेश में भक्ति विराजित हो, और जिस दिन आपके हृदय में भक्ति विराजित हो जाएगी, उस दिन आपके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे। भगवान मात्र आ नहीं जाएंगे, भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। और जिस दिन भगवान आपके हृदय में विराजित हो गए, उस दिन आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, वो है परमात्मा आनंद। तो सूत जी पुनः निवेदन कर रहे हैं, पुनः बारंबार बता रहे हैं कि ऋषियों, इस प्रकार भागवत के संकल्प मात्र से ज्ञान वैराग्य काल के योग से जर्जर जो थे वह ठीक हुए, भक्ति प्रसन्न हुई, और आगे चल के यह कलियुग जब आएगा तो वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। धीरे धीरे जब यह कलयुग बढ़ेगा तो जो मंगल चिन्ह है वे समाप्त होते नजर आएंगे। जैसे जैसे ये कलयुग अपना पंजा फैलाएगा इस मृत्यु लोक में, वैसे वैसे सारे संस्कार, सारी पूजन, सारे यज्ञ आदि धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। और यज्ञ होंगे भी तो धन की आशा से, यज्ञ होंगे भी तो अर्थ की आशा से, धन कमाने के माध्यम, धन कमाने का साधन बना लिया जाएगा धर्म को, ऐसा कलयुग आएगा। तो शौनक जी निवेदन करते हैं कि जब यह कलयुग इतना बेकार है,
जब यह कलयुग इतना दुष्ट है तो फिर इसे भगवान ने अपने मृत्यु लोक में आने क्यों दिया? भगवान ने इसे दंड क्यों नहीं दिया? तो सूत जी बता रहे हैं कि यह कलयुग में अनन्य अवगुण है, बहुत सारे दोष हैं, पर एक गुण बहुत दिव्य है। और जब भगवान गोविंद अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने गोलोक धाम को गए तो धीरे धीरे कलयुग मृत्यु लोक में अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा। और जब राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग मृत्यु लोक में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है तो उसे दंड देने हेतु राजा परीक्षित गए। और जब राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देना चाहा तो परीक्षित महाराज के सामने कलयुग हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सामने बैठ गया और कहा कि प्रभु, माना कि मेरे अंदर नाना प्रकार के अवगुण हैं, नाना प्रकार के दोष हैं, पर आप मेरे गुणों का भी श्रवण करें। मेरे अंदर एक दिव्य गुण भी है कि आपके अंदर क्या दिव्य गुण है? कलयुग के अंदर क्या दिव्य गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। जो सतयुग में यज्ञ करने से, द्वापर त्रेता में तंत्र करने से, यंत्र पूजा करने से, पूजन करने से, समाधि से जो फल प्राप्त होता था, भगवान प्राप्त होते थे, वह फल कलयुग में मात्र नाम संकीर्तन से, भगवान के सुमिरन से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, इसलिए कलयुग को स्थान दिए गए, कलयुग को इसलिए प्रताड़ित नहीं किया गया और कलयुग को इसलिए भगाया नहीं गया। यह दिव्य गुण कलयुग के अंदर है और इस कलयुग में नाना प्रकार के चाहे अपराध होने लग जाए, नाना प्रकार का चाहे पाखंड होने लग जाए, पर जो भी मानव कोई पापी व्यक्ति भी अनेक पाप कर लेगा और उसके बाद भी यदि भागवत का आश्रय ले लिया, भागवत का सानिध्य ले लिया, तो वह पाप से विमुक्त हो जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा, इसका क्या प्रमाण? अरे कि पापी ही नहीं, पापी व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद यदि प्रेत बन जाए तो प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाएगा। यह भागवत का प्रताप है, यह भागवत की महिमा है। तो कहे कि आप कृपा करके हमें वह महिमा, वह प्रसंग सुनाए, कोई प्रमाण बताए जैसा हुआ हो। तो फिर सूत जी महाराज निवेदन कर रहे हैं गोकर्णोपाख्यान कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर ग्राम में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण परम विद्वान, परम तेजस्वी, और उनके बारे में उपमा दी गई है द्वितीय इव भास्कर, जो दूसरे सूर्य के समान थे, दूसरे सूर्य के समान जो तेजस्वी थे, ऐसे थे आत्मदेव ब्राह्मण। और उनकी श्रीमती धुंधुली देवी, धुंधुली जिस प्रकार जैसे सद्गुणों से संपन्न थे आत्मदेव ब्राह्मण, उनके ठीक विपरीत थी धुंधुली। जैसे ये सत्यवादी थे तो वह जब तक वह झूठ नहीं बोले जब तक उसका भोजन नहीं पचे, जब तक ये शांत थे, जैसे ये शांत थे जब तक वो कहीं लड़ाई करके नहीं आए जब तक उसका भोजन नहीं पके पचे, उसी प्रकार ठीक विपरीत, आत्मदेव से ठीक विपरीत थी धुंधुली। तो आत्मदेव द्वितीय इव भास्कर बड़े संतोषी ब्राह्मण, बड़े संतुष्ट ब्राह्मण, नित्य देवार्चन आदि करते, नित्य पूजन पाठ आदि करते, पर मन में यदि कष्ट है तो एकमात्र यह कि मेरे कोई संतान नहीं है। एक बार अत्यंत ग्लानी से परिपूर्ण होकर आत्मदेव ब्राह्मण गृहस्थ छोड़ के वन की ओर चले गए, और जब वन की ओर गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ कर खूब जोर जोर से रोने लगे। उसी वन में से एक संत गुजर रहे थे, संत ने देखा कोई ब्राह्मण रो रहा है, शायद प्रभु के लिए रो रहा होगा, चलकर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। संत उसके समीप गए और संत जब उसके समीप गए, संत ने पूछा कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको क्या चिंता है, किस लिए आपका यह मुख उदास है, आप क्यों रुदन कर रहे हैं? तो आत्मदेव ब्राह्मण बोला, आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि संत जी आए हैं, जरूर कृपा करेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा सुना दी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और मैं पुत्र की कामना से आया हूं और अब मेरा कोई पुत्र नहीं हो रहा है, तो मैं वन में आ चुका हूं और अब मैं अपनी इस देह का त्याग कर दूंगा।
तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को संत ने समझाया कि पुत्र और पौत्र आदि यह सब माया है और इस माया में बंधने का तुम प्रयास क्यों कर रहे हो। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें पुत्र नहीं दिया, तुम्हें किसी प्रकार की कोई माया नहीं दी, तुम अब ठीक तरीके से भजन कर सकोगे, तुम्हें तो माया का कोई बंधन ही नहीं है, तुम तो भगवान का धन्यवाद दो, यह सब माया है, इसके झंझट में ना पड़ो। राजा सगर के 88,000 पुत्र हुए और वह 60,000 पुत्र भी राजा को सुख नहीं दे पाए, तो तुम्हारा एक पुत्र तुम्हें कैसे सुख दे देगा। तुम इस पुत्र के मोह में व्यर्थ चिंता न करो और भगवान का भजन करो। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि गुरुजी आप मुझे प्रवचन वगैरह देके शिक्षा मत दो, ये मुझे आपसे अच्छे देते आते हैं, द्वितीय व भास्कर दूसरे सूर्य के समान विद्वान हो, तो आप इस प्रकार के प्रवचन देकर मत समझाओ, आप तो साधु संन्यासी हो, आपको क्या पता गृहस्थ धर्म का आनंद, कि जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे जो तुतली हुई भाषा में जब बोलते हैं उस प्रकार उनकी किलकारी सुनने में जो आनंद पिता को जो आनंद माता को प्राप्त होता है उस आनंद को आप क्या जानो। तो आप मुझे प्रवचन ना दो, आप तो मुझे पुत्र कैसे होगा, मेरा यह दुख है, इस दुख का कोई उपाय बताओ। तो वह संत ने कहा कि यह तो पुत्र के चक्कर में बड़ा व्याकुल है और ये मानेगा नहीं। तो जब संत ने उसकी मस्तिष्क रेखा का पठन किया तो आत्मदेव से वह संत ने कहा कि अरे आत्मदेव जी तुम्हारे इसी जन्म में नहीं, तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों में भी तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। जैसे ही आत्मदेव जी ने ऐसा सुना और अपना सर जमीन पे दे मारा, संत घबरा गए, अरे अरे क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता, मर जाओगे, लग जाएगी। आत्मदेव ने कहा कि अब जीकर भी मैं क्या करूंगा, मेरा तो एक जन्म का दुख ही मुझसे सहन नहीं हो रहा था और तुमने मेरा दुख दूर करने की बजाय 7 गुना बढ़ा दिया, अब 7 जन्मों तक मुझे संतान नहीं होगी। आप या तो मुझे संतान दें, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, संत तो भगवान के परम सेवक होते हैं, संत का कहा तो भगवान भी नहीं टालते, आप तो सर्व समर्थ हैं, या तो आप मुझे पुत्र दें या तो आप मुझे संतान दें, अन्यथा मैं आपके चरणों में इसी प्रकार सर पटक पटक के अपने देह त्याग कर दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत घबरा गए, संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला, मंत्र के माध्यम से आत्मदेव को दे दिया, कहा कि घर जाना, अपनी पत्नी को यह फल खिलाना, और अपनी पत्नी को यह फल खिला के निश्चित ही इससे तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, अब खूब प्रसन्न मन से अपने घर को गए, धुंधुली के हाथ में फल दिया और कहा कि मैं एक संत से, बड़े दिव्य संत थे, उनसे मैं फल लाया हूँ और इसके खाने से निश्चित ही जो तुझे पुत्र होगा, इसे ठीक तरीके से खा लेना। अब वो तो धुंधुली ठहरी, आपको बताया ना थोड़ी देर पहले परिचय धुंधुली का, अब वो तो धुंधुली गई और उस फल को बड़ी गौर से देखने लगी, ना जाने महाराज कहाँ से ले आए हैं, कोई जादू टोना करा हुआ तो नहीं है, नाना प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय पड़ोसी, अब रहती है सहेलियां, अब आ गई और पड़ोसी नाई और बेटी कि क्या देख रही है फल को, कि अरे ये तेरे जियाजी कजन कहाँ गए थे और वहां से फल लेकर आए, और ये जो फल है ये फल लाकर मेरे हाथ में दिया और बोले इसको मैं खा लूंगी तो इससे मुझे संतान होगी। तो कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे घर में यूं भी तो सब प्रकार की संपन्नताएं हैं, केवल संतान ही नहीं है, खा लो, भगवान की कृपा से संतान हो जाए तो अच्छा ही है, इसमें क्या बुराई है। कि अरे हाँ खा तो लूं, पर ना जाने कौन पंडित जी से लाए हैं, कौन संत से लाए हैं, कोई जादू टोना करा हुआ तो नहीं है। कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खा ले। कि चलो खा लूं, पर अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। कि हाँ कि गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं दौड़ भाग नहीं पाऊंगी। तो कि हाँ कि मैं गर्भवती हो गई और अगर गांव में आग लग गई तो मैं तो यहीं जल के मर जाऊंगी, मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी, तो मैं तो ये फल को नहीं खाऊं। अरे कि कहाँ ऐसा सोच रही है, कहाँ जो गांव में आग लगेगी, खा ले। कि चलो खा लूं तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मेरे घर में पुत्र का जन्म हो जाएगा। अब पुत्र का जब जन्म हो जाएगा तो ननद वगैरह को बुलाना पड़ेगा और मेरी ननद महाचोटी कभी आ गई तो
घर का पूरा सामान चुरा कर ले जाएगी। वो तो यूं ही आती है राजी खुशी, तो ना जाने क्या क्या ले जाती है वो, फिर तो मैं हिलडुल भी नहीं पाऊंगी, तो फिर तो ना जाने क्या क्या ले जाएगी, इसलिए मैं तो नहीं खाऊं। तो कि मत बुलाना ननंद को, कोई नौकरा नहीं रख लेना पर खा ले, कि अरे फिर अगर मैंने ये फल खा लिया तो फिर 3-4 महीने बाद तो मैं गांव में किसी के घर में नहीं जा पाऊंगी, गांव में क्या चल रहा है, कौन के घर में क्या चल रहा है, इसकी मुझे खबर नहीं मिलेगी, तो मैं तो ये फल खाऊं ही नहीं। तो उनने फिर विचार किया कि नहीं नहीं खा ले और चल, फिर तेको जैसा ठीक लगे वैसा कर, मैं तो जा रही हूँ। और वह उसकी सखी उसके घर से चली गई और वह धुंधुली ने उस फल को वहीं रख दिया। थोड़ी देर बाद धुंधुलियों की छोटी बहन आई और कहा कि आज उदास दिख रही हो दीदी, क्या दिक्कत? तो क्या दिक्कत कुछ नहीं है, तुम्हारे जियाजी फल ले आए हैं और इसके खाने से मेरे को संतान होगी ऐसा कहते हैं और मेरी खाने की इच्छा नहीं है। वही उसी प्रकार की रामायण पुनः उसने रिपीट करी। तो धुंधुली की बहन ने कहा हाँ तो ठीक बात है, मत खा, एक काम कर, मैं भी अभी गर्भवती हूँ, मुझे भी 9 महीने बाद संतान होगी, और मैं काम करूंगी मुझे जो संतान होगी वह संतान मैं तुझे लाकर दे दूंगी, और इसके बदले में तू थोड़ा बहुत मुझे धन दे देना जिससे हमारे घर में व्यवस्थाएं हो जाएगी और तुझे संतान प्राप्त हो जाएगी। और रही बात इस फल की, तो ये जो फल है ये तेरे घर में तो गाय भी नहीं ब्याती है, तेरे घर में तो गाय भी किसी बछड़े को जन्म नहीं देती है, तो ये फल तू उस गाय के सामने डाल दे, इस फल की भी सार्थकता हमें पता चल जाएगी कि फल में कितना बल है, ये फल का प्रताप क्या है। तो ठीक है, अब जब वह फल उस गाय के सामने डाल दिया और आत्मदेव जी ने आकर पूछा कि फल खा लिया था, तो धुंधुले ने बोल दिया हाँ जी मैंने फल खा लिया था और मुझे उस फल से ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। धीरे धीरे वह गर्भधारण का नाटक करने लगी, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन धुंधुली की बहन के वहां पुत्र का जन्म हुआ, रात्रि में ही उस धुंधुली की बहन ने उस पुत्र को धुंधुली को लाकर दे दिया, बदले में धन ले गई, और सुबह उठ के आत्मदेव जी को खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे घर में पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, खूब दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी, खूब उत्सव बनाया, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वह जो फल जो गाय को खिलाया था वह गाय का फल खाने से, गाय के फल खाने से गाय को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और गांव में अचंभा फैल गया कि जब भगवान देता है तो चारों हाथों से देता है, पहले तो एक पुत्र भी नहीं था, अब दो दो पुत्र और गाय के गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो गाय के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसकी पूरी देह तो मानव जैसी और कान गाय के कान जैसे होते हैं उस प्रकार के, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण, और आत्मदेव जी उस पुत्र का नाम भी रख रहे थे। तो धुंधुले ने कहा कि 9 महीने गर्भ में कष्ट सहा मैंने, और नाम रखो आप, यह कहा कि औचित्यता, नाम तो मैं ही रखूंगी। तो के हाँ जी आप नाम रखो कि मेरा नाम धुंधुली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी थी महाखलह। गोकर्ण जी तो पंडित हुए, अच्छे विद्वान हुए, और धुंधुकारी महाखल हुआ, महामूर्ख हुआ। अब गोकर्ण जी तो संतों के साथ जाकर बैठते, कथाओं में बैठते, तो उन्हें सदविवेक सदाचार की प्राप्ति हुई, और जो धुंधुकारी था वह नित्य जुआरियों के साथ चोरों के साथ घूमता फिरता रहता, तो उसे उस प्रकार की संगति मिली। कहा जाता है संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष और गुण की प्राप्ति होती है। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई सद्गुण है तो वह भी किसी ना किसी प्रकार की संगति से, और आपके अंदर किसी भी प्रकार का यदि कोई अवगुण है तो वह भी किसी भी प्रकार की संगति से। व्यक्ति के जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो आपकी यदि संगति अच्छी है, आपका यदि संग अच्छा है, तो आपके अंदर
गुण और अवगुण सदैव रहेंगे। यदि आपके अंदर संग आपका अच्छा है तो आपके अंदर सदगुण रहेंगे, और यदि आपका संग बिगड़ा हुआ है तो आपके अंदर अवगुण रहेंगे। तो अब यह निर्भर आप पर करता है कि आपको अच्छे लोगों के साथ संग करना है या बुरे लोगों के साथ। तो धुंधुकारी बुरे लोगों के साथ घूमने लगा, खूब महाखल हुआ। आत्मदेव जी बड़े महान विद्वान पंडित हुए। जब जुआरियों के साथ धुंधुकारी लग गया, धीरे 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 सारा धन जब समाप्त कर दिया, तो आत्मदेव जी के पास गया कि मुझे और धन चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा कि तूने सारा धन तो समाप्त कर दिया है, अब मेरे पास किसी प्रकार का कोई धन नहीं बचा है। तो आत्मदेव जी को वह लात से मारने लगा कि तुम कैसे पिता हो जो पुत्र की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो के बेटा तेरी आज तक तो सारी इच्छा पूरी की है, तो के अब भी करनी पड़ेगी, अगर धन नहीं देते तो चले जाओ यहाँ से। आत्मदेव जी को नाना प्रकार के कुवचन सुनाए, और जब आत्मदेव जी को पता हुआ लगा कि यह पुत्र ऐसे होते हैं, तो आत्मदेव जी को उन संत की बात याद आई कि उन संतों ने तो कहा था कि पुत्र आदि सब मोह माया है। पुत्र तो सगर के पुत्र भी 60,000 हुए पर एक पुत्र ने भी सुख नहीं दिया। पुत्र यदि कपूत हो जाए तो किस काम का। यह सारी बातें मुझे उन संत ने बताई थी पर मैंने नहीं मानी, और आज मुझे यह सब भोगना पड़ रहा है। आत्मदेव जी बड़े उदास हैं। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उदास देखा, आकर गोकर्ण जी ने पिताजी को प्रणाम किया और उदासी का कारण पूछा। तो आत्मदेव जी ने सारी बातें बताई। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को दो श्लोक सुनाए कि देहेन सीमान रुधिरे विभतिम त्यजत्वम, कि यह जो शरीर है पिताजी, यह देह, यह मांस, नलियां, हड्डियां आदि से मिला हुआ एक पांच भौतिक जो शरीर है, पंच तत्व से रचित है, इस शरीर का नाश निश्चित है, यह शरीर नाशवान है, और आप और हम सब इस शरीर से प्रीति करते हैं, आप और हम सब इस शरीर को प्रेम करते हैं। यह शरीर मात्र मिट्टी है, यह शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। यह जब शरीर की कोई गारंटी नहीं है, ये शरीर की कोई तुलना नहीं है, तो यह शरीर एक दिन समाप्त होना ही है, फिर भी हम इस शरीर के लिए आसक्त हैं, इस शरीर के प्रेम में, इस शरीर के मोह में बंध चुके हैं। और फिर कहा कि धर्म प्रौच धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, कि हे पिताजी धर्म का भजन करो, त्यजलोक धर्मान, इन लोक धर्म को अब छोड़ दो, अब आप धर्म की शरण में चले जाओ। और जब इन सब बातों को गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बताया, तो पिताजी तुरंत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का आचरण करते हुए वन में निवास करने लगे। लेकिन आप एक बात का विचार कीजिए, यही सारी बातें उन संत ने आत्मदेव जी को बताई थी, और यही सभी बातें गोकर्ण जी ने आत्मदेव को बताई, पर उन संत की बात आत्मदेव जी को समझ में नहीं आई, और गोकर्ण जी की बात मात्र दो श्लोकों में समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि संत आपको समझाए, आपको समझ में नहीं आए, पर गोकर्ण जी ने समझाया और तुरंत समझ में आ गया। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति 9 महीने गो माता के गर्भ में निवास कर ले, उसकी बुद्धि का स्तर, उसके वक्तव्य का स्तर क्या होगा। तो 2 श्लोक मात्र में गोकर्ण जी ने आत्मदेव को परम ज्ञान की प्राप्ति कराई, और इस 2 श्लोकों को गोकर्ण गीता कहते हैं। और इन गोकर्ण गीता का श्रवण करके, और जब आत्मदेव जी को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह भागवत के दशम स्कंद का आश्रय करके वन में निवास करने लगे और अपने जीवन का यापन किया। इधर धुंधुली भी अपने पुत्र से प्रायः कष्ट में रहने लगी। खूब जब कष्ट मिला तो अपनी आत्म हत्या कर ली, खुद ने अपनी देह का नाश कर लिया, और फिर अंत में जब गोकर्ण जी अकेले बचे, तो उन्होंने सोचा कि अपना भाई अपने स्तर का है नहीं, अपने हिसाब से है नहीं, अपने संगति का है नहीं, तो गोकर्ण जी अब तीर्थ यात्रा की ओर चल दिए। तो अभी तक धुंधुकारी जो था वह था स्वतंत्र,
लेकिन जब माता पिता चले गए, जब भाई चले गया, तो गोकर्ण हो गया स्वच्छंद। दो प्रकार के मानव होते हैं, एक तो स्वतंत्र और दूसरा स्वच्छंद। स्वतंत्र व्यक्ति अपराध करता है पर तब भी लोक लाज रहती है, वह स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं है। लेकिन स्वच्छंद व्यक्ति जब अपराध करता है तो लोक लाज भी नहीं रहती। उसी प्रकार हमें जो धुंधुकारी था वह स्वतंत्र पहले था और अब वह स्वच्छंद हो गया। और जब वह स्वच्छंद हुआ तो पांच वेश्याओं को बुला लाया, अपने घर में ही पांचों वेश्याओं को रख लिया और उन वेश्याओं की खूब सेवा करने लगा। अब उनकी सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ने लगी। अब जब उनको धन की आवश्यकता पड़ती तो वह धन कहां से लाए, तो वह चोरी करने लगा। एक दिन वह राजा का धन चुरा कर ले आया। जब वेश्याओं को उसने वह राजा का धन दिया तो वेश्याओं ने सोचा कि किसी दिन यह पकड़ा जाएगा और इसके पकड़े जाने के बाद हम भी पकड़ी जाएंगी। यह आज बहुत सा धन लाया है, क्यों ना इसको ठिकाने लगा दिया जाए और यह धन लेकर हम अपना जीवन जिएंगी। वेश्याओं ने एक साथ मिलकर मंत्रणा की, धुंधुकारी को उस रात्रि में खूब मदिरा पिलाई। खूब मदिरा पिलाने के बाद में जब धुंधुकारी खूब मदांध हो गया तो धुंधुकारी को खूब मारा। लेकिन जब धुंधुकारी बलपूर्वक उनसे नहीं मारा तो उसके हाथ पैर एक खटिया से बांध दिए गए, उसका मुख खोलकर उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए गए और इस प्रकार की भयानक मृत्यु के कारण उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। और जब उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई उस समय गोकर्ण जी गया जी धाम में विराजित थे और जब उन्हें पता चला कि हमारे भाई का देहांत हो गया है तो उन्होंने गया जी में ही पिंडदान आदि कृत्य किए। और जब तीर्थ यात्रा संपन्न करके गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में वापस आए और जब गांव में आकर देखा तो गांव में आते आते रात्रि हो चुकी थी। तो उन्होंने बिना किसी को परेशान किए अपने घर गए, अपने घर की जो भी जाले आदि सफाई आदि की, वहीं पर एक बिस्तर लगाया और वहीं शयन करने लगे। पर जैसे ही उस भवन में शयन किया उसी प्रकार उनकी आंख बंद करते से ही कभी उनके सामने घोड़ा, कभी उनके सामने गधा, वह प्रेत नाना प्रकार के अलग अलग योनियों के रूप बनाकर उनको स्वप्न में दिखाई देने लगा। गोकर्ण जी ने आंख खोली, हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और जैसे ही प्रोक्षण किया तो वह महापेत्र सामने प्रकट हो गया। वो भी उससे पूछा कि कौन हो तुम और मुझे यूं क्यों प्रकार परेशान कर रहे हो? तो धुंधुकारी बोला कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ और मेरे पापों के करने से मुझे अप्रेत योनि प्राप्त हुई है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि माना कि तुम बहुत पापी थे पर मैंने तुम्हारा श्राद्ध, तुम्हारा पिंडदान गया जी में कर दिया है, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो धुंधुकारी बोलता है कि मैंने जो पाप किया है वह इतने प्रबल हैं, मैंने जो पाप किए हैं वह इतने बल हैं, इतने बलि हैं कि एक श्राद्ध नहीं ऐसे 100 श्राद्ध भी आप गया जी में जाकर कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्धम सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, ऐसे 100 श्राद्ध भी कर दिए जाए तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराएं। ऐसी विनती करके वह प्रेत अंतर ध्यान हुआ और गोकर्ण जी रात्रि भर नींद नहीं आ पाई, रात्रि भर विचार करने लगे किस प्रकार इस धुंधुकारी की मुक्ति होगी। प्रातः काल उठे, संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो सूर्य नारायण भगवान की आराधना की। सूर्य नारायण भगवान ने उपदेश दिया कि श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय धुंधुकारी को दिलाओ, निश्चित ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। गोकर्ण जी महाराज स्वयं श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता बने, सुंदर मंच बनाया गया, धुंधुकारी रूपी प्रेत का आवाहन किया गया। जिस जगह वह कथा चल रही थी उस जगह एक बांस का वन था, उस बांस के मूल में आकर धुंधुकारी विराजित हुआ। सातों दिन की क्रमशः कथा चली, सातों दिनों में सातों ग्रंथियां क्रमशः चटक गई, एक एक ग्रंथि जब सातों दिन में चटकी, आखिरी दिन धुंधुकारी एक दिव्य रूप धारण करके
प्रकट हुआ, भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेने आए। धुंधुकारी के लिए जब भगवान का विमान आया तो गांव के लोगों ने प्रश्न किया गोकर्ण जी से कि कथा तो हमने भी सुनी लेकिन हमारे लिए विमान नहीं आया, ऐसा क्यों, आपकी कथा पक्षपाती है। गोकर्ण जी ने कहा नहीं नहीं, ये कथा पक्षपाती नहीं है, ये कथा का नियम है कि मात्र श्रवण करने से विमान लेने नहीं आएगा, मात्र श्रवण करने से कल्याण नहीं होगा, इसको श्रवण करने के बाद इसका मनन भी किया जाए, इसको श्रवण करने के बाद इसका मनन किया जाए जब जाकर कल्याण होगा। धुंधुकारी जो है वह इसका श्रवण तो करता और रात्रि भर उस बांस में बैठे बैठे इसका मनन भी करता और अपने किए गए पापों का नित्य पश्चाताप करता कि मैंने यह मेरी मानव देह यूं ही व्यर्थ पाप कर्मों में गवा दी। जिस इस प्रकार के पश्चाताप की अग्नि में वह जला, जब उसके पाप पश्चाताप की अग्नि में समस्त जलकर नष्ट हो गए तब वह उसे लेने विमान आया। फिर पुनः कथा का आयोजन रखा गया, पुनः सबने कथा श्रवण की, कथा मनन की, कथा का आश्रय लिया। उसके पश्चात पुनः सभी गांव वासियों के लिए भी विमान आया और वे भी सभी कथा के माध्यम से भगवान के परम धाम को गए, भगवान के परम पद को प्राप्त किया। और वह जो सात गांठ का जो बांस था ना, वह सात गांठ की बांस आपके हमारे सबके अंदर आज भी है। वह सात गांठ कौन कौन सी की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और ईर्ष्या, यह जो सात गठाने हैं यह प्रत्येक मानव में है। और जिस प्रकार एक एक दिन की कथा से उस धुंधुकारी जिस बांस में बैठा था उस बांस की गठाने चटकी, उसी प्रकार ये सात दिन की कथा में आपके अंदर से काम, आपके अंदर से क्रोध, आपके अंदर से मोह, आपके अंदर से लोभ, आपके अंदर से मत्सर ईर्ष्यादि जब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो इस कथा को श्रवण करने की सार्थकता है। इस बांस की ग्रंथि चटके या न चटके, पर आपके अंदर की जो ग्रंथियां हैं, ये जिस दिन चटक गई उस दिन आपके अंदर परमात्मा आ जाएंगे। जिस जगह काम क्रोधादि इन सब प्रकार की गठाने, इन सब प्रकार की व्याधियां रहती है, वहां भगवान नहीं आते। तो भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कराया। फिर शौनक जी निवेदन करने लगे कि यह सप्ताह यज्ञ की जो विधि है यह बड़ी सुंदर है और आपने जो हमें यह सुंदर प्रसंग के माध्यम से कथा सुनाई यह अब बड़ी दिव्य है। हम अब आपसे इस कथा की विधि, इस कथा को श्रवण करने की विधि क्या है वह जानना चाहते हैं। तो यूं तो नियमावली में तो बहुत प्रकार की विधियां हैं, बहुत प्रकार से विधि बताई गई है कि साबुन नहीं लगाना, जमीन पर शयन करना, फलाहार करना आदि आदि, पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो संभव हो सके वह नियम हम सब करेंगे। दो नियम मुख्य बताए हैं कि एक तो भागवत जी का पूजन और दूसरा भागवत जी की परिक्रमा। अब भागवत जी का पूजन कहा गया, इसका ये अर्थ नहीं कि भागवत जी का पूजन करना और यहाँ पे दक्षिणा चढ़ाना, ना ना, कहीं पे पूजन शब्द से भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि पंडित जी पूजन का बोल रहे हैं, मतलब दक्षिणा न, पूजन करना अर्थात कि भागवत जी के लिए माला, भागवत जी के लिए पुष्प आदि आप लाकर भागवत जी का पूजन करें, परिक्रमा करें। इस प्रकार से नियम व्यतीत करके जब भागवत जी यहाँ पर, अब आज शोभा यात्रा आदि, आज हम आए शोभा यात्रा आदि के माध्यम से, जब हम सब लेट हो चुके हैं हमारे, तो इसलिए आज की कथा का यही विश्राम होगा। कल से कथा 9 बजे प्रारंभ होगी जो कि 12 बजे तक चलेगी। उसके पश्चात नृत्य नित्य आपको यहाँ पर सुबह के सत्र में कथा श्रवण करके नित्य यहाँ पे समिति वाले लोग आपको बता देंगे कि किस जगह कैसी किस प्रकार की होली है। तो आप यदि ब्रज होली में सम्मिलित होना चाहें तो वे ब्रज होली में सम्मिलित हो सकते हैं अपने हिसाब से। यदि यथा यथा स्थान जाकर दर्शन करना चाहें तो वे अपने अपने हिसाब से जाकर यथा यथा स्थान दर्शन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई कैसी भी असुविधा हो तो आप ये सीधे आकर ब्राह्मणों से आदि से संपर्क कर लेवे, किसी भी प्रकार की असुविधा को झेले नहीं, हमें बताएं
कि हमें इस प्रकार का कष्ट है तो उसकी निवृत्ति की जाएगी, उसका समाधान बताया जाएगा। और यह आज प्रथम दिवस की कथा में आपको 6 अध्याय के निरूपण में महात्म सुनाया गया। इस भागवत कथा के महात्म का श्रवण किया, भागवत की विधि श्रवण की, यथा योग्य परिस्थिति से जैसा भी आपसे नियम, जैसा भी आपसे संयम हो सके वैसा आप नियम संयम करें। एक बड़ा ही सुंदर भजन होगा, उसके पश्चात हम भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। बोली बाकी बिहारी लाल की जय, राजे रानी सरकार की जय। ऊपर दे में बैठे बैठे यू न मुस्कुराइए, ऊपर दे में बैठे बैठे यू न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा परदाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा आ गए तेरे दीवाने जरा परदाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा परदा हटाइए। ऊपर दे में बैठे बैठे हमें पे भर दे में बैठे बैठे हमें पे भर दे में बैठे बैठे यू न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा परदा हटाइए, दोनों हाथ से प्रभु नाम संकीर्तन का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओ गोविंद चले आओ, माल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, वृंदावन बिहारी लाल की।
सावा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा ते जोड़ के सावा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा ते जोड़ के तेरे पर तो नाम कुट विराजे पर तो नाम कुट विराजे गल वे जल्दी माला साजे गल वे जल्दी माला साजे और बुलंद के यार करेंगे हाथ जोड़ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मानिक तेरो यत गावे मानिक तेरो यत गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.